Yo, what's up guys? कैसे आप सभी लोग? Welcome back to another gameplay video. तो आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं कार मैकेनिक सिमुलेटर. तो जैसा कि आप लोग को याद होगा कि काफी टाइम पहले मैंने जंकयार्ड जाके एक पुरानी टूटी हुई एक्सीडेंटल लैम्बोर्गिनी परचेज करी थी, फिर उसको अच्छे से रिपेयर करके बेच दिया था. आज भी मैं कुछ ऐसा ही करने वाला हूँ, बट इस बारी कार डिफरेंट होगी. ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू माय गैराज. तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि कार डिफरेंट होने वाला है इस बारी, इसका मतलब शायद आप लोग समझ गए होंगे. एक कार डिफरेंट है तो उसका इंजन डिफरेंट है, उसके सारे बॉडी पार्ट्स, उसके टायर, सब कुछ डिफरेंट है. यानी मॉडिफिकेशन भी बहुत डिफरेंट लेवल होने वाला है. लेकिन मैं आप लोग को बता दूं कि ये कोई ऐसा मजाक गेम नहीं है कि एक स्क्रैप यार्ड से टूटी हुई गाड़ी लाए, उस पर चार पेंट मारे, टायर जोड़े, बोनेट जोड़ा और गाड़ी बन गई. भाई इसमें इंजन की प्रॉपर डीप मॉडिफिकेशन होती है. एक एक नट जैसा रियल लाइफ में होता है ना, सेम इसमें भी सब कुछ सेम होने वाला है. तो आप लोग एक अंदाज़ा लगा सकते हो कि आज हम लोग एक रियल कार ही बनाएंगे, समझ लो. बाकी अपनी किस्मत पे डिपेंड करता है कि हमें स्क्रैप यार्ड से कैसी गाड़ी मिलती है. ज़्यादा ख़राब होगी तो ऐसी तैसी होने वाली है. बाकी एक बार मैं आपको टूर दे देता हूँ अपने इस प्यारे से गैराज का. तो स्टार्टिंग करते हैं मेरे बेड से. ये जो ऊपर आप देख पा रहे हो ये है अपना बेड. यहाँ पर थोड़ा सा एंटरटेनमेंट के लिए टीवी स्पीकर्स वगैरह लगा रखे हैं. एंड यहाँ से नीचे आएंगे तो ये है अपना ऑफिस, जहाँ पे सारी फाइल्स वगैरह, किसकी गाड़ी आ रही है, किसने कब गाड़ी दी थी, कितने रुपए की उसे देनी है, सब कुछ. और इस तरफ है हमारा डायनो. ये गाइस ये जो एरिया, यहाँ पर कार की स्पीड टेस्टिंग होती है, इसलिए पूरा लॉक है. यहाँ पर बस कार को रख के उसमें रेस देते हैं. ये है अपना पेंटिंग एंड वॉशिंग एरिया. यहाँ पे कार में पेंट होता है और कार को वॉश वगैरह करे जाता है. और इसके बाद अगर मैं आपको आगे लेकर चलूँ, ये तो अपना वेयर हाउस है जो छोटा सा आप देख पा रहे हो. इसके उधर कुछ एक्स्ट्रा सामान है. ये अपना वर्क बेंच या रिपेयर बेंच आप लोग कह सकते हो. यहाँ पर छोटे मोटे पार्ट्स वगैरह रिपेयर होते हैं. और इस तरफ में ये वाला एरिया एक छोटा सा रन कराने के लिए गाड़ी को यहाँ से वहाँ तक के लिए. यहाँ पर भी बेसिक टेस्टिंग होती है, वो सभी आपको पता चल जाएगी. खैर अभी बातें बहुत ज़्यादा हो गई और ये थोड़ा हाथ वाथ धोने के लिए. हाँ तो ठीक है, बहुत सारी चीज़ें सारी भी आपको पता चलते जाएगी. बट सबसे पहले चलते हैं जंक यार्ड पे एक कोई पुरानी घटिया नहीं, एक पुरानी बेकार बढ़िया गाड़ी ढूंढने के लिए. लेट्स गो. ऑलराइट, तो ये है अपना जंक यार्ड जहाँ पे आप लोग चारों तरफ पुराने घटिया टूटे फूटे एक्सीडेंटल व्हीकल्स और उनके बॉडी पार्ट्स का पहाड़ देख पा रहे होगे. बाकी अभी ना मुझे आती एक मस्त कार यहाँ पे नजर आ गई. कौन सी कार है? बोट अटलांटा ट्रेसपासर. वेट एक सेकेंड, ये एक पिकअप व्हीकल है. यानी इसमें आगे दो बंदे बैठ सकते हैं. बैठेंगे कहाँ? वाली ऑलरेडी सीट मिस है, गेट मिस है. और मुझे कोई ऐसी गाड़ी मॉडिफाई करने का शौक भी नहीं है. एटलीस्ट यार एक स्पोर्ट्स कार तो हो जिसका इंजन पावरफुल हो. ये कौन सा इंजन लगा हुआ है? मेरे को थोड़ा सा इसका इन्फॉर्मेशन लेना है. ओवरव्यू मोड, आई थिंक ये V2 या V4 इंजन लग रहा है. ओ ये एक V8 इंजन है. भाई साहब गाड़ी पावरफुल है सच्ची में, बहुत ज़्यादा, भले ही देखने में पुरानी सी है. बाकी यार ये जंक यार्ड को हुआ क्या? मतलब दूर दूर तक कोई कार यहाँ पर आजकल अवेलेबल ही नहीं है. बट एक सेकेंड, यहाँ पर एक कार मुझे और नज़र आई. ये कौन सी है? बोल्ट रॉलेट. नहीं यार, बहुत ज़्यादा पुरानी कार है. और एक सेकेंड, यहाँ पर है एक बुगाटी. वेट ये कौन सी है? बुगाटी शेरॉन. बट यार ये बहुत ज़्यादा पुरानी है और इसके गेट भी मिस है. एक सीट है, दूसरी सीट भी लग रहा है चोरी हो गई. बैक साइड भी टूटी पड़ी है पूरी. फ्रंट में बैटरी बची है, ये बचा है. एंड गाड़ी का इंजन, इसमें तो शायद से W16 होता है ना बुगाटी में, मेरे को अच्छे से याद नहीं. आप लोग कॉमेंट्स में जाके ज़रूर बताना. इस तरफ में एक फरारी. भाई ये हो क्या गया? जंक यार्ड में आजकल इतनी महंगी महंगी कार्स कहाँ से आने लग गई? फरारी का इंजन खराब पड़ा हुआ है पीछे वाला पूरा. यार बहुत ज़्यादा मेरे को भी ना सच्ची में बहुत ज़्यादा मन कर रहा है यार इस कार को मैं खरीद के ले जाऊँ. आई नो कि बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा इसे ठीक करने में, क्योंकि ऑलमोस्ट इसकी हर एक चीज़ ख़राब है. इंजन भी मुझे बैठ के पूरा का पूरा रीबिल्ड करना पड़ सकता है इसका. ठीक है, एक बार इसको ये वाला मैंने कार एक बार भी चल अपने पास ना. गाइस देखो अभी ऑलरेडी दो अच्छे ऑप्शंस मिल चुके हैं मेरे को. बुगाटी मिल गया है एंड फरारी मिल गया है. यहाँ पर ये कौन सा कार है? सकूरा मो. नहीं यार देखो, बुगाटी फरारी खड़े हैं तो ये ऑप्शन तो मेरे को समझ नहीं आ रहा. जंक यार्ड अभी अच्छे से और एक्सप्लोर कर लेते हैं. क्या पता लैम्बो वगैरह या कुछ और अमेजिंग भी मेरे को मिल सकता है. आगे तो कोई भी कार नहीं है यार, उल्टा दूर दूर तक का पूरा एरिया खाली पड़ा है. बाकी ये जो कार है ना, इसको कार में मत काउंट करो. ये एक जंक है जिसमें पुरानी गाड़ी के पार्ट्स को मैं रिपेयर करके यूज कर सकता हूँ. बट
इतनी पुरानी गाड़ी के पार्ट्स मेरे किसी काम के नहीं है। फिलहाल अब यहाँ से मैं थोड़ा सा और आगे बढ़ता हूँ। यार मेरे को ऐसा लग रहा है ना, सारे के सारे मैकेनिक्स बढ़िया बढ़िया गाड़ी ऑलरेडी खरीद के ले गए और मेरे लिए ये सारा घटिया घटिया कबाड़ छोड़ गए हैं। वैसे बुगाटी लैम्बो कबाड़ नहीं है। खैर यहाँ पर अभी मुझे एक तगड़ी कार मिल चुकी है और ये शायद से फोर्ड मस्टैंग है। लेट्स गो, ये बहुत तगड़ी कार है। बाकी दिक्कत ये है कि इस गाड़ी में इंजन ही नहीं है कोई। भाई ये बहुत गलत बात है, एक अच्छी कार मिली बट इस कार का कोई इंजन ही ले गया, तो मेरे हिसाब से कार हमारे लिए भी एक ढांचा ही है। इसके टायर वगैरह मैं क्या ही करूँगा ठीक करके। अभी मुझे चाहिए तो एक ऐसी कार चाहिए एटलीस्ट यार थोड़ी बहुत तो अच्छी कंडीशन में हो, क्योंकि इंजन बहुत महंगा पड़ता है। और ये कार कुछ अलग सी दिख रही है। कौन सी कार है ये? टेस्ला मॉडल एस। वाओ, तो गाइस अभी हमें यहाँ पर एक टेस्ला कार मिल चुकी है और मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है इस कार के बारे में। ये एक ऑटोमेटिक इलेक्ट्रिक कार है और इसकी स्पीड बाकी कार से बहुत ज़्यादा है। ये देखो यार कितनी मस्त लग रही है। इस गाड़ी में क्या क्या है वो देख लो। पीछे तो खैर क्या ही होता है, पीछे से नहीं, मुझे गाड़ी को आगे से चेक करना है। गाड़ी में यार इस गाड़ी का भी इंजन नहीं है। वे इंजन छोड़ो, यहाँ पर एक सीट, एक नहीं पीछे की दो सीट, आगे की एक सीट पड़ी है और स्टीयरिंग और डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ गायब है। मतलब यार जो बंदा आधा अधूरा सामान खरीद के ले गया ना इस गाड़ी का, मेरे को मिल जाए बहुत बुरा पिटेगा। मतलब उसने गाड़ी इधर से सही छोड़ी है बट उधर से देखो, उधर का गेट भी गायब है, सब गायब है भाई, शीशे वीशे सब ले गया। मेरे को समझ नहीं आ रहा मुझे क्या करना चाहिए। मेरे पास इससे बेस्ट ऑप्शन है बुगाटी शिरोन, लाफरारी, फोर्ड मस्टैंग, बट टेस्ला एक इलेक्ट्रिक कार पे काम करने में बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं इस गाड़ी को, सोच नहीं रहा मैं अभी इस गाड़ी को परचेस करने वाला हूँ। कंडीशन चेक कर लेते हैं। इंटीरियर 100% किस हिसाब से मेरे को पहले वो बताओ। इंटीरियर कंडीशन 100% दिखा रहा है, पता नहीं किस हिसाब से। बाकी ओवरऑल कंडीशन 9% है। ठीक है यार अच्छे से करेंगे ठीक। और गाड़ी का प्राइस 29,725, ऑलमोस्ट $30,000 की एक खटिया खचाड़ा सोना वोना लगा हुआ है क्या नीचे? खैर छोड़ो यार अभी से परचेस कर लेते हैं। सस्पेंशन भी सारे घिस चुके हैं इस कार के, बट यार मैं इसे परचेस करने वाला हूँ। बाय कार, लेट्स गो। ओके तो कार मैंने बाय कर लिया है एंड वो गैराज पहुंच चुका है, मैं भी चलता हूँ। ऑलराइट गाइस, तो अभी फिलहाल मैं अपनी टेस्ला मॉडल एस को गैराज में लेकर आ चुका हूँ और ये कार ना उस जंक यार्ड में पड़े पड़े बारिश में भीग भीग के पूरी की पूरी रस्टी हो गई है। भाई ये देखो कोई एक पार्ट, या तो ये रस्ट नहीं है, ये हो सकता है कीचड़ भी चिपका हो, बट हाँ देखने में तो ऐसा लग रहा है रस्ट ही है। खैर वो तो भी मेरे को सब कुछ अब नया जैसा करना ही है तो मेरे को कुछ ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है। एक काम करता हूँ फटाफट से ना इस कार को मूव करते हैं सीधा लिफ्टर पे। मूव कार, मैं इसे रखने वाला हूँ कार लिफ्टर ए पे। ओके तो गाड़ी कार लिफ्टर ए पे जा चुकी है। ए पे नहीं बी पे रखते हैं, सेंटर में रहेगी ना तो बहुत सही रहेगी। कार लिफ्टर बी, ऑल राइट। तो अभी गाड़ी यहाँ पर आ चुकी है, अब मैं इसमें आराम से काम कर सकता हूँ एकदम तमीज में। गाड़ी का बोनेट क्यों खोल रहा हूँ यार, एक तो बड़े टाइम बाद। एक काम करते हैं सबसे पहले ना गाड़ी को अपलिफ्ट करके ना इसके टायर निकालते हैं, एक एक पार्ट करते हुए चलेंगे। मुझे ना पहले गाड़ी को पूरा ओपन करना होगा। ओके गाड़ी अभी लिफ्ट होना स्टार्ट हो गई है। तो गाड़ी को डिसअसेंबल करने के लिए सबसे पहले मैं इसके टायर रिमूव करूंगा। तो टायर रिमूव करने के लिए सबसे पहले हमें इन स्क्रू को यहाँ से निकालना होगा। 1, 2, 3, 4 एंड 5। मैं थोड़ा सा स्लो हो गया हूँ, पहले हम कितना फास्ट फास्ट करते थे ना सारा काम, बट ठीक है अभी बस हाथ बिठाया ही है, उसके बाद सब कुछ फास्ट फास्ट होने लग जाएगा। बाकी इधर आप लोग देख पा रहे हो भाई कि अभी आपको समझ आ गया होगा कि इस कार में कितना ज़्यादा डीप में काम हो रखा है। मतलब जो एक रियल लाइफ में रियल कार में होता है ना, सेम उस लेवल का काम ही इस गेम में भी है। मतलब हमें हर एक स्क्रू, हर एक ब्रेक डिस्क वगैरह वैसे ही निकालनी है जैसे रियल में होती है। बाकी ये हैं ब्रेक पैड्स जिससे गाड़ी में ब्रेक लगता है। आपको भी बहुत डीप इंफॉर्मेशन मिल जाएगा, बाकी जिनको आता होगा उनको तो खैर क्या ही बताने की ज़रूरत है। यहाँ पर अभी इतना रिमूव करने के बाद ये वाला जो डिस्क है मुझे ये रिमूव करना है, तो शायद से यहाँ पर तो कोई स्क्रू नहीं है। तो अब मुझे ना ये आउटर टायर रोड निकालना पड़ेगा और उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही नट लगा है और ये वाला जो नट है ये इस वाली रोड से कनेक्ट था। ये रोड भी रिमूव मैंने कर दिया है और सामने की तरफ में भी एक नट है। एंड गाइस ये देखो ये होता है सस्पेंशन आर्म, तो अब मैं इसको रिमूव करता हूँ। ये तीन जगह से टाइट है तो इसको हर जगह से निकाल देते हैं और ये हट गया। ये अपने हो गए गाड़ी के शॉक ऑब्जर्वर जिससे हमें अंदर सीट पे बैठे हुए झटका नहीं लगता। और ये है सो बार फ्रंट एंड लिंक, इसको भी रिमूव कर देता हूँ। एंड यहाँ से निकलेगी व्हील ऑफ बेयरिंग। अब इसके बाद एक एक पार्ट यहाँ के टायर के हटना स्टार्ट हो जाएंगे। पीछे दो नट्स हैं, इसको भी निकालता हूँ। बोल्ट, नट अलग होते हैं बोल्ट अलग होते हैं, मैं दोनों को कभी कभार सेम बोल देता हूँ तो गाइस ज्यादा कंफ्यूज मत होना। एंड ये निकालने के लिए मुझे नीचे थोड़ा सा ये सब रिमूव करने होंगे। बाकी ठीक है अभी यहाँ पर जो रबर बुशिंग होती है ना मुझे ये निकालना स्टार्ट करनी है।
ताकि कार को हम लोग जितने भी खराब पार्ट्स है ना उसको मैं रिमूव कर पाऊँ। एक बुश इधर होता है, एक बुश इधर भी होता है, तो दोनों को मुझे अभी निकालना है। और यहाँ से अभी ये वाला जो आर्म है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा, मतलब डिटैच हो जाएगा, बाकी यहाँ का काम है। अभी जिस तरीके से मैंने राइट साइड का टायर एंड सस्पेंशन रिमूव करा है, सेम मुझे वैसे ही लेफ्ट साइड पे भी करना होगा। तो फटाफट यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले टायर को रिमूव करना, ये निकाल दिया मैंने, समझ लो उसके नट, वेट नट निकल नहीं पा रहे। ओके सबसे पहले व्हील आएगा ना, ओके 1 2 3 4 5 व्हील आ चुका है नट ओपन करने के बाद। अब इसके बाद आएगा ब्रेक के कैलिपर्स, यानी जो ब्रेक पैड है उसका कवर। अब उसके बाद ये वाले ब्रेक पैड्स, और फिर आती है ब्रेक की डिस्क, देन आउटर टायर रॉड को भी मैं नीचे से निकाल देता हूँ। और ये है फ्रंट ड्राइव एक्सल ए, तो इसको निकालते हैं पहले ताकि ये पूरा पीछे तक का डिटैच हो जाए। अब यहाँ से मैं शॉक ऑब्जर्वर को निकाल देता हूँ। वैसे यार इतना मस्ती में नहीं रहना, ये सब जो मैं निकाल रहा हूँ ना ये रिपेयर करके वापस लगाना भी है। एक गाड़ी को खोलना ज्यादा आसान होता है, बट जब उसे वापस ठीक करके पैक करना होता है ना तो असली हालत खराब होती है भाई, जो कि अभी अपनी थोड़ी देर में होने वाली है। चलो भाई, तो आगे के दोनों टायर्स निकाल दिए हैं, बारी है पीछे वाले टायर की, तो फटाफट से इसे भी रिमूव करना स्टार्ट करते हैं, जैसे हमने बाकी टायर्स को रिमूव करा था। नट्स निकालूंगा आज फुल स्पीड में, लेट्स गो गाइस। तो अभी तो मैं बहुत ज्यादा फास्ट हो गया हूं एक सस्पेंशन रिमूव करने में, पता भी नहीं चला सारी चीजें रिमूव कर दी। बाकी ये देखो गाइस, ये है इस कार का V6 इंजन, और सामने जो आगे वाला था वो था गियर बॉक्स। तो अभी मुझे इस इंजन को पूरा रिपेयर करना होगा, बट रिपेयर करने से पहले मुझे इसे यहाँ से हटाना होगा। खैर ठीक है, उसके पहले ये जो एक लास्ट टायर बचा है ना इसको हटा देता हूँ। अब एक बार आप लोग टाइम काउंट करना कि मैं एक टायर कितनी तेज रिमूव करूंगा, मतलब अभी ना मेरे को प्रॉपर चीजें पता चल गई है कि कौन सा नट मुझे पहले खोलना है और कौन सी चीज बाद में हटने वाली है। जैसे कि अभी यहाँ पर ये जो है ये हटा, देन उसके बाद हटेगा ब्रेक पैड, फिर उसके बाद ब्रेक की डिस्क हटेगी, उसके बाद आता है व्हील हब, बट व्हील हब से पहले ये वाला जो बोल्ट है ना मुझे ये नट निकालना है, एंड यहाँ पर अंदर बेयरिंग है वो हटेगी, देन उसके बाद व्हील हब बी और इसके तीनों के तीनों नट ये भी हट गए। अब इसके बाद आता है नकल कवर, इसको हटा दिया, और समझ लो पूरे का पूरा सस्पेंशन अभी यहाँ पर रिमूव हो चुका है। अपर आर्म के तीन नट रिमूव करके भी हटा दिया, शॉक ऑब्जर्वर भी हट गया, और अब ये दोनों आर्म के बीच में एक नट बचा है, ये मुझे हटाना है। ऑल राइट, तो सारे के सारे सस्पेंशन मैंने निकाल के गाड़ी को पूरा का पूरा खोल दिया है। अब एक काम करता हूँ, इस वाली जो गाड़ी का इंजन है ना इसको क्रेन पे लेकर आते हैं, मतलब ये इंजन स्टैंड है जहाँ पर हम लोग इंजन को रख के बना सकते हैं, रिपेयर कर सकते हैं। बट इस वाले इंजन को नया इंजन बनाने से पहले मुझे निकालना पड़ेगा, तो फटाफट से इस कार का इंजन लाकर हम लोग इस इंजन क्रेन पे रख देते हैं ताकि इसके बाद मैं एक नया इंजन बना पाऊं। तो अभी गाड़ी के इंजन को बाहर निकालने के लिए मैं इंजन क्रेन यहाँ पर लेकर आ चुका हूँ। अब जैसे ही मैं पुल आउट करूंगा तो ये जो इंजन है आप देख पा रहे हो ना, ये गाड़ी के बाहर आ जाएगा। मुझे कुछ नहीं करना, यहाँ पे जाके पुल आउट दबाना है, और अभी गाड़ी के अंदर कोई इंजन नहीं है, यानी कि मैं चाहूँ तो इस इंजन को रिपेयर कर सकता हूँ यहाँ पे माउंट करके, यहाँ पर इंजन को ऐड करना होगा। ये देखो ये रहा इंजन, बट पता है क्या है कि इस इंजन को अगर मैं रिपेयर करने बैठा ना तो बहुत टाइम लग सकता है, बट पैसा भी बच जाएगा, मैं काम भी कर सकता हूँ कि मैं एक न्यू इंजन बना सकता हूँ, तो मैं इसे रिपेयर नहीं करूंगा। तो फिर इंजन क्रेन पे वाला इंजन इंस्टॉल कर देते हैं। एक नया इंजन बनाने के लिए मुझे इस इंजन को तो पहले यहाँ से हटाना होगा, देन मुझे बनाना है एक V6 इंजन। ये वाला जो है ये 14DOHC का है, बट नहीं, हमें ये वाला इस गाड़ी में नहीं चलेगा, मुझे एज इट इज वही इंजन बनाना होगा जो मैंने उस गाड़ी से बाहर निकाला है। पता कर लेता हूँ कि आखिर उसमें कौन सा इंजन लगा था, हमें जाना है ग्रुप्स में, और उसमें था V6DOHC चार्ज, ओके CHG शायद से चार्ज ही होता होगा। लेट्स गो क्रिएट न्यू इंजन। यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के हैं, 14SOHC एंड 16 और V8, बहुत पावरफुल इंजन भी मैं लगा सकता हूँ शायद इस गाड़ी में, बट फिर पता नहीं ना भाई, गाड़ी का अलग ही हालत हो जाए। बाकी ये है वो इंजन V6DOHC, तो ये इंजन मुझे अब यहाँ पे बनाना है। अब इस इंजन को कंप्लीट करने के लिए मुझे बहुत सारा सामान खरीदना होगा, और उन सभी सामान को असेंबल करने में बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तो मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना पहले गाड़ी का एक्सटीरियर कंप्लीट कर दिया जाए, क्योंकि इसे कंप्लीट करने में बहुत कम टाइम लगेगा, और ये होते ही ऐसा लगेगा कि गाड़ी बस बन गई समझ लो, बट मेन पार्ट जो अंदर के वो मैं कर दूंगा आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। खैर ठीक है, अभी देखो सबसे पहले ना जितने भी खराब चीजें इसको निकालता हूँ मैं गाड़ी से, बहुत गंदी लग रही है, डिसअसेंबल मोड में चलते हैं। ओके, तो गाड़ी को यहाँ से एक एक पार्ट में इसका निकालना स्टार्ट करता हूं। ये पूरी बॉडी गंदी है, पीछे टेस्ला का ये भी खराब हो रखा था, बाकी ये चीजें सारी निकल चुकी हैं। नीचे का ये हुड हटा देता हूं पहले तो ऊपर का, देन राइट साइड का डोर रह गया, सब कुछ नया खरीदना होगा यार। फेंडर्स एंड एवरीथिंग मैंने सब कुछ यहां से निकाल दिया है, अभी भी गाड़ी में काफी कुछ बचा हुआ है। ये जो पीछे की दो सीट्स हैं ये निकाल देता हूं। ABS मॉड्यूल, याद है जब हम लोग लैम्बोर्गिनी बना रहे थे इसने कितना परेशान करा था, मतलब ये निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था ABS पंप इसमें से। इस कार का रियर सामान बहुत सारा रह गया था, तो फटाफट से मैं इसको भी रिमूव कर देता हूं।
लेता हूँ। गाड़ी का गियर बॉक्स मेरे को एकदम ओके लग रहा है। अगर इसके अंदर कुछ असेंबल करना होगा तो मैं डायरेक्ट ला के असेंबल कर दूंगा। वैसे अगर देखा जाए ना गाइस, ये देखो गियर बॉक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, पूरा चमक रहा है। मैं ऐसे नहीं छेड़ने वाला, उसका कोई पार्ट वगैरह भी मिस नहीं है ना यार। मैंने पूरी गाड़ी खोल के रख दी है। अभी तो वैसे लग भी नहीं रहा कि ये कोई कार है, बस ऐसे लग रहा है एक ट्रे रखी हुई है। खैर ठीक है, अभी काफी सारे सामान मैं चेक कर लेता हूँ कौन कौन से ठीक हो सकते हैं। ये जितना सामान आप देख पा रहे हो सारा का सारा मैंने गाड़ी से बाहर निकाला है। बाकी ये है, इसको मैं रिपेयर कर देता हूँ कुछ यहाँ से। जितने भी गेट वगैरह ना सारे के सारे मैं यहाँ पर रिपेयर करने वाला हूँ। गाड़ी का हुड था $25 में रिपेयर हो जाएगा, 100% ये ठीक हो चुका है। एक काम करता हूँ, जितनी खराब चीजें हैं ना सारी की सारी रिपेयर करते हैं। इसमें काफी सारा पैसा खराब होने वाला है, बट यप नया खरीदने से तो बढ़िया ही है। ओके, जितनी चीजें मैंने गाड़ी से डिसअसेंबल करी थी सारी की सारी रिपेयर कर दिया है। एक काम करता हूँ, यहाँ पर असेंबल करके देखते हैं कि कैसी वो दिखने वाली है। बाकी क्या ये यस इंटीरियर असेंबल नहीं, मेरे को एक्सटीरियर असेंबल करना है। यहाँ पर ये वाला गेट है देखो, 100% कंडीशन हो चुकी है। गाड़ी का ये ग्रीन है, मैं इसे ठीक कर दूंगा बाद में, अभी तो गाड़ी का पूरा कलर चेंज करेंगे। वेट, ये फेंडर कैसे ठीक नहीं हुआ? इसको बाहर निकालो वापस यार, एक मिनट इसको बाहर निकालो। ये गंदे में कैसे आ गया यार? क्या ये रिपेयर नहीं होगा? यप यप यप, ये ठीक नहीं होने वाला शायद यार, मुझे फेंडर्स नए ही खरीदने पड़ेंगे, ये रिपेयर नहीं होगा। एक काम करता हूँ, खराब चीजें जितनी भी है ना वो सारी की सारी सेल कर देता हूँ। बाकी जो सस्पेंशन की चीजें थी ना वो काफी सारी ठीक हो चुकी है, जो रिपेयर हो गया ठीक है। बाकी तो मुझे काफी सारा सामान नया भी खरीदना पड़ेगा। दो डोर मैंने अच्छे से लगा दिए हैं यहाँ पर, बाकी और हुड भी ठीक हो गया था अपना, तो हुड यहाँ पर मैं लगा देता हूँ। फेंडर ठीक नहीं हुआ था, यहाँ पर तो कोई डोर था ही नहीं। गाड़ी की बॉडी पूरी की पूरी खराब है, एंड आई थिंक ट्रंक भी ठीक नहीं हुआ था। तो अभी काम करता हूँ चल के ना, फटाफट से मैं नया सामान खरीद देता हूँ। बट उससे पहले जो फालतू सामान है ना बॉडी का, जैसे ये जो टेस्ला का अपना ट्रंक था ये खराब है, इसको बेच देता हूँ $17 का। गाड़ी की बॉडी बेच देता हूँ। लेफ्ट वाला फेंडर खराब है, ये भी बेच दिया। RWD इलेक्ट्रिकल मोटर खराब थी, लेफ्ट वाला बॉडी का पार्ट खराब था, ये सारा बेच दिया। बाकी हेडलाइट्स तीन ठीक है, और एक राइट वाली आगे है और लेफ्ट वाली मिस है। हेडलाइट खरीदनी है लेफ्ट वाली, और बाकी तो बॉडी के पार्ट्स खरीदने और एक ये फेंडर लेना है। टैबलेट एंड टेस्ला सर्च करके यहाँ पर बम्पर भी नहीं था भाई आगे का, तो ये बम्पर लेते हैं। बाय द वे यहाँ पर तीन चार टाइप के बम्पर है, मैं चाहूँ तो ये वाला ले लेता हूँ यार, ये ज्यादा अच्छा, बट महंगा ये वाला है, तो हमें महंगी गाड़ी बनानी है, मैं ये वाला परचेस करूंगा। RWD इलेक्ट्रिकल मोटर भी खराब थी। टेस्ला का जितना सामान है भाई मैं सारा लेने वाला हूँ। ट्रंक मुझे तीन चार टाइप के मिल रहे हैं, किसी किसी में स्पॉयलर्स लगा हुआ है और कुछ कुछ स्टॉक है। एक काम करता हूँ, इसमें ना बहुत लाइट स्पॉयलर लगा है, ये वाली परचेस कर ले। नहीं यार, थोड़ी स्पोर्ट्स फील देंगे, ये वाला स्पॉयलर लेते हैं। हेडलाइट खराब थी राइट वाली, बट थी कौन सी? यहाँ पर चार पांच टाइप की है, सिंपल वाली ले लेता हूँ, शायद वो ऐसी सी थी। बॉडी किट भी बहुत सारी है, ये देखो हमें गाड़ी के राइट डोर भी परचेस करने थे, एक रियर वाला है और एक फ्रंट वाला लेना है। गाड़ी में बम्पर जो होता है ना बैक साइड पे, वो भी खरीदना है, एंड ये थोड़ा स्पॉटी लुक दे रहा है तो ये ले लेते हैं। साइड मिरर्स भी गाड़ी में मिस है यार, इस गाड़ी में कुछ था ही नहीं, मैं क्यों खरीद के ले आए इसे। बाय द वे यहाँ पर कुछ और फेंडर्स मुझे नजर आए हैं, एंड ये वाले पे टेस्ला का लोगो बना हुआ है, बट ये स्पोर्टी है तो ये लेते हैं, इससे भी बेटर ऑप्शन है वैसे। यहाँ ऑलरेडी मैंने काफी सारी चीजें परचेस कर लिया है, पहले इसको असेंबल करते हैं, देखते हैं गाड़ी की लुक आ कैसे रही है, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा चीजें लाकर लगाने वाला हूं। तो जैसे कि मैंने बताया था मैंने दो परचेस कर लिया था, एक वाला है ये वाला लगा कर देखते हैं इस गाड़ी में कुछ इस तरीके से। एंड कार धीरे धीरे ब्लैक बनती जा रही है। वेट अ सेकंड, ये नंबर प्लेट निकालो गाड़ी में से। ओ, मुझे इसके साथ ही काम करना पड़ेगा। शिट यार, ये नंबर प्लेट कितनी गंदी दिख रही है, कोई जुगाड़ नहीं है क्या यार इसका? पता नहीं कैसे बट नंबर प्लेट अभी गायब हो गया। ठीक है, मुझे नहीं पता, मैंने तो नहीं करा डिसअसेंबल, बट ठीक है अभी गाड़ी को असेंबल मोड में थे ना हम लोग, और असेंबल करते हैं। यप, तो यहाँ पर ट्रंक मैंने परचेस करा था स्पॉयलर वाला, ये देखो ये कैसा लग रहा है भाई, वैसे अमेजिंग लग रहा है, पूछने की जरूरत नहीं है। और मैं हेडलाइट खरीदना भूल गया, सॉरी, वो लगा दूंगा मैं। बाकी बैक साइड का ये भी लग चुका है अपना, रियर बम्पर एंड राइट साइड का फेंडर। फेंडर नहीं खरीदा मैंने, पॉसिबल यार लिया था शायद, बट कोई नहीं, एक ये वाला फेंडर खरीदा था, ये देखो इस पे टेस्ला का लोगो है प्यारा सा। यहाँ पर हेडलाइट लगा दी, राइट साइड वाली भी हेडलाइट नहीं खरीदी मैंने। धीरे धीरे करके गाड़ी एक अच्छी शेप लेती जा रही है। बाकी मैंने प्रॉपर गाड़ी की बॉडी खरीदना भूल गया, सॉरी। अभी मुझे टेस्ला की टेल लाइट परचेस करनी है। यहाँ पे काफी अलग अलग टाइप के ऑप्शन है, ये दोनों तो बहुत ओल्ड लग रहे हैं, ये वाले लेटेस्ट है, तो उसमें डार्क या फिर रेड। एक काम करते हैं डार्क वाली परचेस करते हैं, एक लेफ्ट की हो गई एक राइट की हो गई, और अभी मैं उसको लाके लगा देता हूँ यहाँ पर कुछ इस तरीके से। भाई ये वाले ज्यादा अच्छे लग रहे हैं भाई, सही में रेड तो बहुत बेसिक हो जाता है यार, जो हर एक गाड़ी में लगता है। ओ वेट, मैंने गलती से इसमें रेड लगा दिया, वैसे यार रेड ज्यादा अच्छा लग रहा है। लेफ्ट साइड का भी रेड वाला परचेस कर लेता हूँ, और ये लगा दिया मैंने रेड वाला यहाँ पे। भाई ये भाई गाड़ी में प्यारे लोग। अब बचे हैं रियर फेंडर्स, राइट और लेफ्ट बोथ। टेस्ला फेंडर इसको सर्च करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं। अगर देखा जाए सबसे महंगे वाले ये हैं, तो शायद यही बेटर होंगे किसी न किसी रीजन से, तो ये परचेस कर लेते हैं। एंड इसको यहाँ पर मैं लगा देता हूँ ये कुछ उस तरीके से, और अभी समझ लो गाड़ी का। वेट छी,
इसका रूफ कितना गंदा कर दिया गाड़ी का ये लगाने के बाद, आपको दिख नहीं रहा होगा बट ये ब्लू हो चुका है, हटाओ इसे। इस घटिया रीजन की वजह से ये महंगे थे, मैं स्टॉक वाले लगाने वाला हूँ, शायद से यही ठीक रहेंगे। इसको लगाने के लिए मुझे पहले ये वाले रिमूव करने होंगे, देन असेंबल जाकर ये वाले करने हैं। एंड ये कौन सा वाला है, एस है और नहीं नहीं ये नॉर्मल स्टॉक वाला है, ये जो अभी परचेस करा था वो मैंने अभी टॉप पे लगा दिया है, कॉज इसमें ग्लास वाला रूफ भी है ना। गाइस मैं ना अभी गाड़ी का एक नया ट्रंक परचेस करके लाया हूँ, आपको दिखाता हूँ। नॉर्मल वाला मैंने निकाल दिया जो उसमें पहले से लग कर आया था, बट अपना जो नया वाला है ना वो देखो वो कुछ ऐसा है, ये नॉर्मल वाला है, ये ऐसा है, इसमें थोड़ी सी एक ना शेप है, ये देखो अभी आपको एकदम डिफरेंट दिख रही होगी कार, वैसे ऐसा लग रहा है जैसे पता नहीं कितने गुस्से में आ गई अचानक से, या सही है बट पता नहीं इसको देख के ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे सही से फिट नहीं हुआ है, पर इसका ओरिजिनल शेप ऐसी है। गाड़ी के डोर्स रह गए हैं और मैंने वो परचेस कर रखे हैं, तो कुछ नहीं करना बस ऐसे। ओए मैंने डोर, अच्छा मैंने रियर वाला करा है ना, ये फोर डोर कार है भाई, टेस्ला का डोर परचेस करना है मुझे, तो यहाँ पे सर्च कर लेते हैं। मुझे फ्रंट वाला बस एक डोर चाहिए, वो भी राइट साइड का, ये लेट्स गो, ये करा मैंने परचेस और ये तो रियर था, ठीक है। इस डोर को भी यहाँ पे लाके कर देते हैं फिट, लेट्स गो। गाड़ी अभी इस कलर की बन रही है बट बाद में मैं अपने हिसाब से पेंट कर लूंगा। विंडो मैंने खरीदी हुई है सारी की सारी, यहाँ पर लगाते जाता हूँ, सारी विंडो लग गई, बस राइट साइड की एक रह गई। टेस्ला की विंडो परचेस करनी है मुझे, वो भी राइट साइड की फ्रंट, टेस्ला फ्रंट राइट डोर विंडो, यस मुझे ये परचेस करना है। और ये है फ्रंट विंडो, ये वाली भी एकदम आगे जो लगेगी, एक बैक वाली भी मुझे चाहिए, ये रिट्रंक की विंडो, लेट्स गो। अभी आपको लग रहा होगा बस भाई गाड़ी तो बना दिया यार जो भाई आपने, बट आपको पता नहीं अभी समझ लो आधा काम भी नहीं हुआ है यार। बाकी यार ये जो हमने हेडलाइट्स निकाली थी ना, ये साइड साइड में लगनी ही लगनी है, मतलब दो अलग अलग पार्ट की है ना वो। अबे यार इसको देख के ऐसा लग रहा है कि जैसे ये ग्लो नहीं हो रही है, बट ठीक है शायद हमें बस ऐसी फील आ रही है लाइट्स की वजह से, बट ऐसा है नहीं, मींस इन लाइट्स की वजह से, ये लाइट तो सारी ऑफ ही है अभी। बाय द वे गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, एक बार एक काम करता हूँ, इन दोनों डोर को ना निकाल के दोबारा से ग्रे कलर करके लगाता हूँ, मतलब ग्रीन से कोई दिक्कत तो नहीं आ रही बट ऐसे अच्छे से नहीं लग रहे देखने में अभी। ओए वापस लग गया, ओके तो मैं अभी एक नया डोर ही परचेस करके ले आया ग्रे कलर का, वो मैंने यहाँ पे लगा दिया है, एंड इसकी विंडो भी लगानी होगी। अब बात आती है गाड़ी के साइड मिरर्स की, जो कि मैं परचेस करना भूल गया, टेस्ला मिरर, वेट इसको मैंने कर लिया है सर्च। और अब देखते हैं यहाँ पर एक आ गया लेफ्ट का, एक आ गया राइट का, लगे यहाँ टेस्ला का डैशबोर्ड भी चेक कर लेते हैं। वेट डैशबोर्ड नाम से नहीं है क्या, चलो कोई नहीं, वो देखता हूँ किस नाम से, बट पहले ये दोनों मैं मिरर लगा देता हूँ दोनों साइड पे, लेफ्ट वाला हो गया एंड राइट वाला भी फटाफट से लगा देते हैं, ये हो गया। ओके पुराना वाला तो नहीं लग गया ना कोई, बट ठीक है जो भी हो। अभी क्या है ना, देखो गाइस इस गाड़ी के अंदर का काम मुझे करना है, एंड ये वाली लाइट मैंने लगा, मेरे पास ये वाली लाइट भी नहीं ली, टेस्ला की लेफ्ट वाली हेडलाइट। यहाँ पर ना दो है, कि बेसिक वाली एक थोड़ी अच्छी वाली है, तो ये वाली ले लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर लगाई ना ऑरेंज आ रहा थोड़ा सा उसके अंदर, सेम टू सेम यहाँ पर लगाते हैं, मतलब एक ऑरेंज थोड़ा स्पोर्टी लुक देता है ना। ओके गाइस तो गाड़ी ऑलमोस्ट पूरी कंप्लीट हो चुकी है, बस मुझे ये देखना है कि अब इसके इंटीरियर का काम मुझे और कैसे करना है। एक्सटीरियर के बाद बारी है इंटीरियर की, तो फटाफट से चल के इंटीरियर में थोड़ी बहुत असेंबल करते हैं चीजें। ये एक लेफ्ट वाला सीट है जो लाना है मुझे, स्टेयरिंग लाना है एंड गाड़ी हो जाएगा। अब फटाफट से चल के ना गाड़ी का सीट एंड कुछ बॉडी पार्ट्स मुझे लेकर आने हैं इंटीरियर के लिए, तो इंटीरियर शॉप पे चलते हैं एंड यहाँ पर देखते हैं कौन सा सीट गाड़ी के अंदर बेस्ट लगने वाला है। वैसे तो फुल एकदम स्पोर्टी लगाऊंगा मैं, कोशिश करूंगा, ये देखो आते ही एक ही सीट पसंद आई और यही फाइनल है। तो वैसे दो सीट मुझे परचेस करनी है, बट पीछे वालों के लिए तो एक अलग सीट रहेगा ना। मैं रियर यहाँ पर सर्च कर लेता हूँ एंड बैक साइड की जो सीट आई है वो कुछ आई है कितनी अजीब भाई है, पता नहीं ये लगेगी या नहीं। पहले नॉर्मल स्टेयरिंग वगैरह ले लेते हैं। स्टेयरिंग यहाँ पर बहुत अलग अलग टाइप के स्टेयरिंग है, बट एक सुपर कार वाला स्टेयरिंग कुछ ऐसा होता है, तो ये ले लेते हैं। पहले इतना लगा के देखते हैं कैसी लुक आ रही है, फिर उसके बाद हम लोग आगे का काम करेंगे। यहाँ पर दो सीट मैं लेकर आया था, एक ये वाली लगा दी एंड लेफ्ट साइड में ये वाली सीट लगा देता हूँ, और स्टीयरिंग भी कुछ इस तरीके से यहाँ पे लगा देता हूँ। आई डोंट नो व्हाई बट अभी मैं बैक सीट्स नहीं लगा पा रहा, ये गाड़ी मैंने टू सीटर बना दी है, क्या ठीक है टू सीटर ही सही रहेगी। बाकी एक चीज आप लोगों ने नोटिस करी कि टेस्ला की जो बैटरीज है, मैं आपको दिखाता हूँ, वेट पहले यहाँ पर जो नीचे के, ओके दोनों साइड के एक ही बार में लग गए एंड यहाँ पर ये देखो, अच्छा ये चीजें करनी है असेंबल, बट शायद इसके लिए ना गाड़ी में यहाँ से निकालनी पड़ेगी या फिर नीचे लानी पड़ेगी एकदम ग्राउंड पे। बट या गाड़ी को ग्राउंड पे लाने के लिए इसमें टायर होने चाहिए, या तो मैं ऐसा कर सकता हूँ कि पहले ना इन गेट्स को हटा दूं और जब मैं इसमें जा रहा हूँ ना, ये देखो इंटीरियर असेंबल में, इंटीरियर असेंबल में नहीं, जब मैं नॉर्मल असेंबल मोड पे जा रहा हूँ, ये देखो यहाँ पर आ रहा है ना लेफ्ट रियर फेंडर, यहाँ पर ये सब लगेगा शायद से। ओ तो आ तो गई सीट, यही तो मुझे लगानी है, लेट्स गो ये यहाँ लग गई
एंड ये है अपना, इसके लिए मुझे ये वाला गेट भी निकालना पड़ेगा। ये वाला गेट हटाते हैं। असेंबल मोड यहाँ पर लगेगा फ्रंट एंड, ये भी मेरे पास पड़ा हुआ है। दो तीन मैंने परचेस कर रखे हैं तो ये वाला लगा देता हूँ। और क्या प्यारी लुक आई है भाई, ये लगती कार की। अब मान लो कि अपनी गाड़ी कंप्लीट होगी भाई, मानना पड़ेगा, मुझे नहीं पता। टायर लग जाने तो फिर गाड़ी सीधा जमीन पे उतार के बताऊंगा, बाकी कहीं कहीं रस्टी पार्ट्स को छोड़ दो यार, वो इतना चलता है। ओ भाई लेट्स गो, गाड़ी क्या से क्या बना दी तुम्हारे भाई ने थोड़ी देर में। अब बचा है सबसे हार्ड पार्ट जो कि इंजन, तो फटाफट से इंजन बनाना स्टार्ट करते हैं। इस इंजन को बनाने के लिए क्या नाम था, V6DH करके कुछ था ना इस इंजन का नाम। हाँ, तो इसका सामान परचेस करते हैं सारा। सामान खरीदने से पहले मुझे पता करना होगा कि आखिरकार इसका सामान किस नाम से आता है। पहले तो ये जो पुराना वाला इंजन है ये बेच देता हूँ। ओ तेरी, मैंने गलत चीज बेच दी यार, उस इंजन को पूरा पैक का पैक ही बेच दिया, तो मुझे पता थोड़ी चलेगा उसमें क्या क्या लगा था। वैसे गाइस सही है कि मैंने बुगाटी नहीं परचेस करी, क्योंकि यार यहाँ पर मैक्स इंजन ही V8 का है। मतलब बुगाटी में शायद W16 लगा होता जो कि बहुत पावरफुल इंजन है, और हम लोग वो इंजन इस गेम में भी नहीं क्रिएट कर सकते। बाय द वे हमें ये वाला इंजन बनाना है उसके लिए, और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो रेड वाला आई थिंक टॉर्क है, और ब्लू वाला हमारा शायद से हॉर्स पावर है। नहीं, रेड वाला हॉर्स पावर होगा और ब्लू वाला टॉर्क होगा, जो कि इस गाड़ी का बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये देखो 300 NM एंड 251 HP। हॉर्स पावर थोड़ी सी कम है बट अच्छी है टेस्ला के हिसाब से। बाकी अभी मैंने यहाँ पर गाड़ी का इंजन का नाम सही से पढ़ लिया, V6 ही है, सारा सामान उसका सेम उसी नाम से आने वाला है। तो फटाफट से चल के सबसे पहले तो ना V6 का एक बॉडी खरीदते हैं, ये वाला इंजन ब्लॉक जिसे बोला जाता है, ये परचेस कर लेता हूँ। एंड ये क्या भी एक एक करके मुझे सारी चीज ही परचेस करनी है, क्योंकि इतना मान के चल लो ये सब कुछ उस इंजन में लगेगा। पुराना इंजन बेच के गलती कर दी यार, अब बस समझ लो हम एक नया इंजन खरीद के ला रहे हैं, और नुकसान ये है कि असेंबल भी मुझे खुद करना पड़ रहा है। चलो भाई, एक इंजन को बनाने के लिए जितना सामान चाहिए होता है वो मैंने सारा का सारा परचेस कर लिया है। चलो भाई, तो सबसे पहले यहाँ पर इंजन को लगाता हूँ कुछ इस तरीके से पार्ट माउंट, और ये लग गया इंजन ब्लॉक। ये देखो भाई कुछ इस टाइप का अपना इंजन बनने वाला है। यहाँ पर फ्यूल फिल्टर लगा, ओ वेट, ये छी पुराने वाला फ्यूल फिल्टर कैसे बचा हुआ था भाई, बैंस की इसको निकालो अभी के अभी, पूरी लुक खराब कर दी। चमकती धमकती चीज पे वो कीचड़ जैसी चीज आके पड़ गई भाई सीधा। ठीक है, यहाँ पर अभी जो जो जैसे नहीं, सबसे पहले मेरे को ना टॉप चीजें लगानी होगी। ये लगेगा फ्यूल फिल्टर, नया परचेस करना होगा फ्यूल फिल्टर, ये रहा, इसको परचेस करते हैं। ओके, तो नया वाला फ्यूल फिल्टर आ चुका है, पार्ट को यहाँ पे माउंट कर देते हैं। ये रहा, पुराने वाला मैं भेज दूंगा। तो गाइस देखो, इस गाड़ी के इंजन में ना टोटल 6 पिस्टन है, 1 2 3 4 5 6, इसीलिए इस इंजन का नाम है V6। और लास्ट टाइम हमने जो लैम्बो में लगाया था वो V8 था, और वो बहुत बड़ा इंजन था, उसे बनाने में हालत खराब हो गई थी। बाकी ठीक है, ये इजीली बन जाएगा, बस चीजें होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर क्रैंकशाफ्ट की बेयरिंग अभी मेरे पास मिस है, तो ये बेयरिंग लेकर आनी है, फ्लाई व्हील लेकर आना है। तो फटाफट से परचेस करते हैं क्रैंकशाफ्ट बेयरिंग कैप। तो ये मुझे टोटल शायद से 10-12 चाहिए होंगी, क्योंकि दोनों साइड से लगेगा ये। तो ये मैंने परचेस कर लिया है, एंड अभी इसको मैं लगा देता हूँ यहाँ पे। सही में भाई, अभी बस आप देखते जाओ कितनी सारी चीजें इसमें लगते जाएगी। अभी मुझे परचेस करके लाना है क्रैंकशाफ्ट पुली V8 की, वेट इसमें V8 वाली लगेगी क्या? ओके चलो ठीक है, ले लेते हैं। एंड ये है फ्लाईव्हील मैंने परचेस किया था, नो क्रैंकशाफ्ट की पुली V8 वाली, यस ये रही V8, डन। तो अभी फटाफट से इसको यहाँ पे लाके असेंबल करते हैं। बाय द वे मैंने गलती से इसको रोटेट कर दिया था, वापस सीधा कर देता हूँ। एंड ठीक है, पार्ट माउंट, एंड यहाँ पे लग गई पुली, ये कर दिया इसे टाइट, बैक साइड में लगा फ्लाई व्हील और ये कर दिया इसको टाइट। शायद ये टाइट करने की जरूरत नहीं है, इस पे ना एक क्लच प्लेट लगेगा जो हमारे पास नहीं है, क्लच प्लेट ये वाला, ये कर दिया इसको यहाँ पे असेंबल। ऑल राइट, अभी मुझे एक ऑयल फिल्टर चाहिए, बाकी एक आर्म तो मेरे पास होगा V6 का। मतलब जितनी चीजों पे V6 लिखा है ना वो मैंने परचेस कर लिया है। आइडल रोलर और ये सब ले लेते हैं। एक पंप मुझे चाहिए था, ओ तेरी भैंस की, यहाँ पर तो कितने सारे आ गए। एक ऑल्टरनेटर मेरे को चाहिए था, ये भी ले लेता हूँ। अब जितना सामान परचेस करा है उसे फटाफट से यहाँ पे लगाते हैं। ये लग गया ऑल्टरनेटर, एंड इसको मुझे भी टाइट करना होगा, और ये कितनी खतरनाक सी मोटर है भाई। आइडल रोलर ए एंड आइडल रोलर ए, ओ दो लगने थे क्या? वेट, मैं ए और बी दो अलग अलग खरीद के लाया हूँ, बी वाला कहीं लगेगा या फिर मुझे वापस सेल करना होगा, या पैसा बर्बाद, मुझे उसे वापस सेल करना होगा। इन यहाँ पे लगना है क्लच प्रेशर प्लेट। पहले तो दो आइडल रोलर परचेस करता हूँ, क्लच प्रेशर प्लेट भी ले लेते हैं एक, और एक ये बेयरिंग भी ले लेता हूँ। एक ऑयल फिल्टर भी मुझे चाहिए था, यहाँ पर तो बहुत सारे हैं। देखो अभी ना V6 का तो यहाँ पर कोई भी नहीं है, बट शायद से अपनी गाड़ी में, गाड़ी के इंजन में V8 लग जाएगा। दोबारा से बहुत सारा आइटम परचेस करा है, लगा के देखते हैं। यहाँ पर लगा, ओ V8 नहीं लगेगा, यहाँ पे लगेगा 16 वाला। ठीक है, मैं दूसरा ला के लगा दूंगा, जब तक यहाँ पर आइडल रोलर जो मैंने परचेस करा था वो लगाते हैं। यही है गाइस, देख लो वो मेन चीज जो गाड़ी को चलाती है, इसके बारे में सच्ची में पता होना चाहिए। वाटर पंप भी परचेस करा था, वो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। अगर आपकी गाड़ी खराब होगी तो मतलब
करेगा तो मैकेनिक ही ठीक, बट आपको एक आइडिया रहेगा कि हाँ वो कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बस ये कहूंगा खुद इस गेम को खेल के घर पे अपनी गाड़ी ठीक करने मत बैठ जाना, ना ठीक गाड़ी भी खराब करके दोगे भाई। ओके, तो जो बैरिंग मैंने परचेस करी थी वो यहाँ लग गई और धीरे धीरे करके हमने अपना इंजन अभी कुछ भी नहीं कम्प्लीट करा, अभी काफी सारी चीजें लगनी है। 16 वाला ऑयल फिल्टर एंड मेरे को 6 पिस्टन खरीदने, जैसा कि मैंने बताया था V6 इंजन है, तो यहाँ पर पिस्टन विद कॉर्नोड V8 वाला देखो अलग है भाई, थोड़ा सा उसमें कुछ एक्स्ट्रा है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये मैंने 6 खरीद लिए, डन। तो पिस्टन के लिए जो एक्स्ट्रा सामान था वो भी मैंने थोड़ा बहुत ले लिया है। अभी पिस्टन ना इस साइड में, तो मैं काम करता हूँ, पहले तो इसको थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि मैं पिस्टन्स को इजीली लगा पाऊँ। यस, ये वाली साइड ठीक है। कुछ स्पेशल पार्ट माउंट कर देते हैं, जैसे कि मैं ये ऑयल फिल्टर लाया हूँ 16 वाला, ये लग गया, अब इससे ऑयल फिल्टर होता रहेगा। अब मुझे यहाँ पे लगाने हैं पिस्टन, ये है वाला पिस्टन, एंड यहाँ पर इसके साथ मुझे रिंग रखनी है ना। यप, तो ये रखी मैंने रिंग और ये बन गया अपना पिस्टन विद रिंग्स, ये लग गया यहाँ पे। सेम टू सेम मुझे सबके साथ ऐसे ही करना है, यहाँ पर ये रिंग लगाई बन गया, ऊपर के तीनों हो गए हैं। बस मुझे यहाँ पर से कवर लगाना है इंजन हेड को, और वो बात का काम है, पहले ना पिस्टन मतलब जो अभी इंजन का अंदर का काम हो रहा है, ऊपर की तो इजिली लग गए थे, अभी मुझे इंजन रोटेट करना होगा। एक काम करता हूँ, मैं खुद ही उधर चले जाके इसे लगा देता हूँ। या तो एक और लग गया यहाँ पर, ये भी मैंने लगा दिया है। मैंने शायद से ना टोटल 5 पिस्टन लगाएंगे, पूरे 6 लगा दिए। वेट, सारे पिस्टन हो गए हैं शायद, बैठ के देख लेता हूँ यहाँ पर। 1, 2, 3 एंड 1, 2, 3, ओके है भाई सब कुछ। इंजन हेड B V6, तो ये लगा देता हूँ यहाँ पर और सारे स्क्रू टाइट कर देता हूँ। अभी तो इंजन देखने में बहुत छोटा लग रहा था ना, अभी देखना ये कैसा टॉप बन जाएगा ना, इतनी बड़ी देखते रह जाओगे। छोटी छोटी सी इतनी सारी चीजें हैं, बस उसमें लगती जाएगी, टाइट होती जाएगी और बनते जाएगा इंजन। एक कैम शाफ्ट थी जो कि मैंने शायद से नहीं परचेस करी, क्या यार, कोई नहीं अभी परचेस करके लगा देता हूँ। ओ वेट वेट, मैंने परचेस करी थी बट एक करी थी, मुझे टोटल 4 चाहिए, 2 के लिए 2 नीचे के लिए। खैर नीचे वाले के लिए मैं यहाँ पर ये लगाता हूँ, एंड यहाँ के लिए भी मेरे पास एक भी कैमशाफ्ट नहीं है। कैमशाफ्ट V6B, तो ये मुझे टोटल 3 परचेस करनी है, एंड इसको मुझे यहाँ पर लाके लगा देना है। वेट, इसको यहाँ पर डायरेक्ट चलते हैं पार्ट माउंट, और ये लगेगी यहाँ पे, एक लग गई और इसके नीचे भी एक लगेगी, एंड एक लास्ट वाली लगेगी ऊपर, ये हो गया। अब मैं यहाँ पर इसकी जो आप देख पा रहे हो ना स्पार्क प्लग, ये मेरे पास एक भी नहीं है और ऐसे मेरे को टोटल 6 चाहिए। कैम शाफ्ट बेयरिंग V6B मेरे को 3 चाहिए होंगी, क्योंकि हर कैम शाफ्ट को कवर करने के लिए लगेगा। मैंने यार गलती कर दी सारा सामान एक एक लेकर, बाकी अभी इंजन को रोटेट करना था थोड़ा सा, क्योंकि काफी जगह पर मैं यूज नहीं कर पा रहा था चीजें, तो ये अभी फटाफट से यहाँ पे लगाते हुए चलते हैं। एक लगेगा कुछ इस टाइप से और सारे नट टाइट, डन। एक आएगा इसके ऊपर हेड कवर, और ये भी मेरे पास है अभी, बट ऐसे मेरे को और चाहिए। चलो खैर ये कवर हो चुका है, यहाँ पर एक और बेयरिंग, और इसे टाइट करने के बाद इसके ऊपर भी एक कवर आएगा। ये रहा भाई, कितना हार्ड होता है एक इंजन को बनाना। वेल, यहाँ पर एक इनटेक मैनिफोल्ड लगेगा, ये भी टाइट करना है 8-8 नट से। ओके, अब ये इसके ऊपर लगेगा इनटेक मैनिफोल्ड AV6B, ये भी लगा देते हैं। इसीलिए गाइस, इसीलिए मैं इंजन पहले नहीं बना रहा था। बाकी यहाँ पर एक थ्रोटल लगेगा, ये तो बहुत इजीली लग जाएगा इसमें, बस 4 ही नट है और एकदम बाहर की तरफ है। अब बैक साइड में आता है थर्मोस्टैट, इसको भी फटाफट से लगा देते हैं। थर्मोस्टैट के लेफ्ट में आता है एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड V6B, भाई इसमें बड़े सारे नट है, देख रहे हो भाई, 8-9 में, डन। इसके लेफ्ट साइड में आता है अब पावर स्टीयरिंग पंप V6B, ऑलराइट। अब यहाँ पर लगेंगे कैम गियर, ओके, और ये शायद से मेरे पास एक ही था ना, ठीक है, तो मुझे भी ऐसे 3 और परचेस करने हैं, और एक आइडल रोलर ए एक और लेना है। कैम गियर परचेस करने हैं 3, आइडल रोलर ए 1, डन। तो भी फटाफट से इसको यहाँ पे मैं वेट एक सेकेंड, अच्छा V6 का अलग आता है, नुकसान हो गया भैंस की। ये रहा कैम गियर V6B, ये लेने हैं 3, डन। तो ये लगेंगे यहाँ पे, एक लग गया, ये लग गया दूसरा, और ये लग गया थर्ड, एंड यहाँ पे लगाते हैं आइडल रोलर ए और इसको कर देते हैं टाइट, और समझ लो इंजन बस कंप्लीट हो चुका है। बट अभी जैसे यहाँ पर ये देख रहे हो ना, ये एक लगेगा, पता नहीं से क्या बोलते हैं, सर्पेंटाइन, ठीक है, ये लगा देते हैं। शायद से ये पूरा एक चेन है जैसा आप कह सकते हो, और ये प्रॉपर घूमेगा। टाइमिंग कवर लगा देता हूँ, इसको भी पूरा कवर कर देता हूँ, और अभी देखना इंजन बन के पूरा पैक हो जाएगा थोड़ी देर में। V6 का वाटर पंप चाहिए मुझे यहाँ पर, ये रहा, और एक मुझे परचेस करना है बेल्ट टेंशनर, जो कि ये जो चेन हमने चढ़ाई है ना, इसको टाइट रखने के काम आएगा, वरना ये ढीली होगी, चलती गाड़ी में उतरगी तो फिर समझ रहे हो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई, बदवा एक्सीडेंट नहीं होगा, गाड़ी बंद हो जाएगी। ओके, तो अभी सारे के सारे कवर मैंने इस साइड पे लगा दिए, एंड इस साइड से आपको लग रहा होगा इंजन जैसे कंप्लीट हो गया है। बाकी यार आइडल रोलर का कितना ज्यादा यूज है, फ्यूल रेल V6B टॉप साइड पे लगनी है, इसको भी लगा दिया, एंड इसके अंदर लगेगी फ्यूल रेल V6B, एक और फ्यूल रेल V6B एंड एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड V6B। तो फ्यूल रेल लगा देता हूँ यहाँ पे, एंड ये लगा देता हूँ एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड को यहाँ पे, और इसको कर देता हूँ टाइट। भाई साहब कंप्लीट होने का नाम ही नहीं ले रहा है इंजन, और अभी आप लोग आइडिया लगा सकते हो कि
V8 कितना ज्यादा हार्ड होगा, वो तो एक लैम्बोर्गिनी का इंजन था यार, ये तो फिर भी टेस्ला का है। आइडल रोलर बी, अब जाकर इसका यूज आया भाई। डन, तो समझ लो इस साइड से इंजन हो गया है ऊपर का। अबे ये कैमशाफ्ट कैसे रह गया, हाँ चार थे ना टोटल, मैंने तीन ही करे हैं। चलो इसको भी कर दिया टाइट, एंड इसका कवर लगा देता हूँ यहाँ पे। इंजन हेड कवर V6B, इंजन हेड कवर ए V6B लगाया, और इसके ऊपर अभी एक कवर और जाना है क्या? नहीं, आई थिंक इसके ऊपर पाइप्स जाएंगी ना। नहीं, ओ ओके, हो गया क्या ये? आई थिंक सो गाइस, इंजन कंप्लीट हो चुका है। एक काम करता हूँ, इस इंजन को मैं मूव करा सकता हूँ, टेक इंजन, ओके ओके, यहाँ से मैं ले सकता हूँ। एंड ये इंजन मुझे ला के यहाँ पे इंस्टॉल करना है कुछ इस तरीके से। बाकी आप ये देखो, कंडीशन 100% है, यानी हमने इंजन एकदम प्रॉपर बनाया। लेट्स गो, इस इंजन को रख दो भैया यहाँ पे। एंड अभी ये इस पे आ चुका है, बट हमें शायद से दिख नहीं रहा। अब मुझे ये इंस्टॉल इंजन इन टू द कार, या फिर पुल आउट। कार में लग गया है क्या? डायरेक्ट लगी? ओ गार्ड, कार में इंजन आ चुका है। ये देखो, ये रहा इंजन, प्रॉपर आ गया भाई, V6 आ गए। एंड गियर बॉक्स तो निकाला ही नहीं था ना हमने, गियर बॉक्स है ना आगे, हाँ होगा, ठीक है। बाकी ये देखो टेस्ला की सारी बैटरीज हैं, जो कि मैंने शायद आपको पहले नहीं दिखाई थी। सब कुछ कंप्लीट हो गया है, अब बारी है सस्पेंशंस की, जहाँ पे व्हील्स लगने वाले हैं, फिर उसके बाद अपनी कार प्रॉपर कंप्लीट हो जाएगी। देन उसके बाद हम लोग उस पे पेंट जॉब वगैरह करेंगे, फिर इसके सारे टेस्ट होंगे, एंड देन लास्ट में इसको ट्रैक पे भगा के देखेंगे कि आखिर कार अपनी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है। बाकी अब देखो यार, मेरे पास ना काफी सारी चीजें हैं जो कि मैंने रिपेयर कर दी थी, जैसा कि मैंने आपको बताया था। एंड ट्राई करते हैं क्या क्या चीजें यहां पर लग सकती है। देखो यहां पर ये है गियर बॉक्स B V6, जो चीज अपने पास मिस है। आई मीन जब हमने ये गाड़ी ली थी तो उसके अंदर लग के ही नहीं आया था, इसलिए मुझे परचेस करना होगा। ओके, तो ये है वो चीज जो मुझे परचेस करनी है। $1000 काफी ज्यादा महंगी थी, बट नो प्रॉब्लम, अभी गाड़ी को चलाना है तो लगानी होगी। बट यार जैसा कि बता रहे कि मुझे पहले कार को लिफ्ट करना होगा इसे लगाने के लिए, तो थोड़ा सा और ऊपर मैं इस कार को उठा देता हूं। ओके, तो अभी कार यहां पर आ चुकी है, एंड अभी मुझे इसके अंदर लगाना है। तो यहां पर चलते हैं पार्ट माउंट पे, देन इसको यहां पर माउंट कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ऑल राइट, तो यहां पर ये मस्त एकदम बॉक्स लग चुका है, बाकी सारी चीजें फुल ओके है। सस्पेंशंस लगाते हैं, तो यहां पर लगने वाला है रियर एक्सल नकल। ओके, मेरे पास एक अच्छी कंडीशन का भी है, बट दूसरा वाला रिपेयर नहीं हुआ था। चलो कोई नहीं, एटलीस्ट एक साइड का तो काम हो जाएगा। इसके ऊपर लगेगा व्हील हब, जो कि हमने निकाला था, एंड इसको करना है मुझे टाइट तीनों तरफ से। फिर उसके ऊपर लगने वाली है एक ये ब्रेक डिस्क, जिससे अपनी गाड़ी रुकेगी, और उसके ऊपर लगेंगे ब्रेक पैड्स, ब्रेक पैड्स के ऊपर लगेंगे ब्रेक कैलिपर, एंड ब्रेक कैलिपर कैपिलर सिलेंडर के साथ मिक्स होकर लगते हैं कुछ इस टाइप से, एंड देन इन दोनों को टाइट करना है। अब इसके बीच में लगेगा व्हील हब की बेयरिंग, बट अपने पास एक खराब वाली है, तो हमको चारों खराब है, रिपेयर नहीं होती। नो प्रॉब्लम, बहुत सारा सामान मेरे को खरीदना है, तो ये भी परचेस कर लेते हैं। तो ये है व्हील हब बेयरिंग, टोटल चार पीस यहाँ पर खरीद लेते हैं। अभी भी काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो रिपेयर नहीं हुई थी, तो वो सारी की सारी मुझे खरीद खरीद के लगानी पड़ेगी बार बार। बाकी अभी फटाफट से चलते हैं पार्ट माउंट, एंड देन यहाँ पे लगाते हैं कुछ इस तरीके से। इसके बाद लगने वाला है रियर ड्राइव एक्सल बी, जो कि रिपेयर हो गया था, इसको लगा दिया यहाँ पर टाइट करके। इसके ऊपर लगेगा अपर सस्पेंशन आर्म, एंड इसमें कंबाइन होगा रबर बुशिंग, जो कि अपनी सारी खराब है, तो रबर बुशिंग भी ढेर सारी लेनी है। और इसके साथ में, अच्छा दो रबर बुशिंग के साथ लगेगा, तो फिर मैं काम करता हूँ कि खूब सारी बुशिंग खरीद लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पर ये रबर बुशिंग के साथ मिला के लगा देना है कुछ इस टाइप से, ये लगा दिया, एंड इसको कर देना है टाइट। टोटल तीन यहाँ पर बोल्ट थे जो कि मुझे इसमें लगाने थे, एंड बारी है बॉटम वाले रबर बुशिंग की, तो फटाफट से इसको भी लगाते हैं, और इसको भी मैं फटाफट से टाइट कर देता हूँ। अब बारी आती है यहाँ पर शॉकर्स की, जो कि अपने पास खराब वाले हैं, यानी मुझे नया चाहिए होगा, एंड नया बनाने के लिए मुझे ये तीनों चीज चाहिए। डबल विशबोन शॉक ऑब्जर्वर रेयर, ओके, तो दो मेरे को आगे के लिए परचेस करने हैं, क्योंकि चारों टायर में लगेगा ये, एंड दो मेरे को पीछे के लिए परचेस करने हैं। तो चारों के लिए मुझे ना ये ऑब्जर्वर कैप चाहिए होगी, तो ये मैं चार ले लेता हूँ। और मुझे चाहिए होगी स्प्रिंग, मुझे मालूम नहीं कौन सी वाली स्प्रिंग लगेगी, ये होती है ओके, फ्रंट की अलग आते हैं बैक की अलग, तो दो फ्रंट वाली लेते हैं, एंड दो मैं ले लेता हूँ बैक वाली। ओके, मुझे भी जरूरत पड़ेगी स्प्रिंग पुलर की, क्योंकि जो शॉकर है ना, इसको कंबाइन करने के लिए ये टूल चाहिए, ताकि मैं सारे पार्ट्स को एकदम कंप्रेस करके ज्वाइन कर पाऊं। तो फ्रंट वाले के लिए मैंने ये वाला कैप परचेस करा था, यहां से ये एक देखो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देन मुझे इसको यहां पर रोल करना है। ओके, तो ये अपने आप ही थोड़ी देर में कंप्रेस होकर मेरे पास आ जाएगा, लेट्स गो, बस मुझे इसमें रखना होता है, ठीक है। तो यहां पर दोबारा से ये वाला रखते हैं, देन इसको बना लेते हैं। ऑलराइट,
राइट, तो ये भी बनकर आ चुका है। ये वाला भी बना लेते हैं इस तरीके से। ओके, अब एक और बचा है, लास्ट वन, ये है अपना रेयर वाला। डन गाइस, तो चारों शोकर्स यहाँ पर बन चुके हैं। फटाफट से चल के इन्हें गाड़ी में लगाना स्टार्ट करते हैं। काफी मजा आ रहा है मेरे को गाड़ी बनाने में, क्योंकि जब मैंने फर्स्ट टाइम लैम्बो करी थी तो बहुत प्रॉब्लम हुआ था, इतनी सारी चीजें थी, बट अभी काफी कुछ समझ आ गया है। ओके, समझ लो लेफ्ट राइट सब कुछ हो चुका है, अब बस मुझे वाला टायर बनाना है। स्पोर्ट टायर लगेगा इसमें, और टायर बनाने के लिए मुझे टायर एंड मतलब एक व्हील बनाने के लिए मुझे टायर एंड अलॉय चाहिए होंगे। लेफ्ट साइड फुली डन, अब बारी है यहाँ पर एक व्हील लगाने की, एंड व्हील बनाने के लिए मुझे चाहिए होंगे टायर एंड रिम्स। बाकी एक बारी मैं साइज देख लेता हूँ कि जो टायर इसके अंदर पहले लगा, जो व्हील लगा हुआ था उसका साइज था यहाँ पर 17 था शायद, यहाँ पर देखो लिखा हुआ है ना 17B। बाकी और भी काफी सारी चीजें वो मैं देख लूंगा, बाकी रिम्स मुझे अपने हिसाब से देखने हैं। 17 साइज लेके चलते हैं, तो सबसे पहले चल के एक रिम सिलेक्ट करते हैं 17 साइज का। वैसे तो मेरे को बहुत ही मुश्किल से इसमें से कुछ पसंद आने वाला है, क्योंकि थोड़े बहुत ना ओल्ड हो गए हैं आजकल की कार्स के हिसाब से, बट फिर भी मैं एक और डिसाइड कर लेता हूँ, थोड़ा हैवी अच्छा सा। ऐसा भी नहीं है ज्यादा पुराने नहीं है, बट टेस्ला के हिसाब से देखा जाए तो ये काफी ज्यादा प्यारे लग रहे हैं। एंड ये है साइज जो कि मुझे रखने 17। एंड ईटी पता नहीं क्या चीज है, शायद मुझे पहले पता कर लेनी है। ईटी थिकनेस तो नहीं है क्या? ये देखो इसका तो जीरो है, तो चलेगा। डन, तो ये वाला टायर लेते हैं, साइज मैं एक कर देता हूँ, टोटल चार टायर मुझे लेने हैं। एंड गाइस ईटी ना मेरे सबसे टायर की थिकनेस ही है, तो मैं इसे 5 कर देता हूँ, खतरनाक वाला मोटा ही ना हो जाए, तो ट्राई करते हैं। बाकी भी मेरे को चल के टायर सिलेक्ट करना है, एंड टायर यहाँ पर बहुत अच्छे अच्छे हैं। ये तो प्रॉपर रेस ट्रैक वाला है, ये वाला जो आप देख पा रहे हो ना, ये प्रॉपर रेस ट्रैक वाला है, बट प्यारा लग रहा है, सही बताऊँ तो। हाँ, ये वाले ले लेते हैं, ये थोड़े अच्छे भी हैं और मस्त लग रहे हैं। एंड वेट, यहाँ से थी विड्थ सिलेक्ट, बट मैंने गलती करी, चलो कोई नहीं, यहाँ पर 17 कर देते हैं। एंड विड्थ मैं थोड़ी सी बढ़ा देता हूँ, 205। डन, परचेस कर लेते हैं। रिम्स मैंने गलत परचेस कर लेते, तो इसलिए अब मैं 17 वाले ले रहा हूँ, एक बेसिक 17 के मैंने रिम ले लिया यहाँ से। अब मुझे चल के यहाँ पर व्हील बैलेंस करना होगा, मतलब टायर को बनाना होगा, तो सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पर इंस्टॉल करने हैं। ये देखो, ये वाला है अपना ET5 वाला, और इसमें ये वाला टायर लगा के देखता हूँ होता क्या है। ओ भाई, ये अच्छा लग रहा है यार, पता नहीं ईटी से क्या मतलब है ईटी का, गाइस मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। बट टायर देखो इसमें एकदम प्रॉपर बनकर तो आया है, ऐसा मेरे को लग रहा था प्रॉब्लम आ जाएगी कहीं ना कहीं, बट अच्छा बना है टायर। तो यहाँ से स्टार को उठा के अब बस मुझे व्हील बैलेंस करना होगा कुछ इस तरीके से, इस पर इंस्टॉल करके। चलो, ये लग गया। अब टायर ना बैलेंस करना जरूरी होता है, वो एकदम परफेक्ट सर्कल की जो शेप है ना वो आ जाएगी और गाड़ी एकदम अच्छे से चलेगी। तब तक ये हो रहा है, मैं यहाँ पर एक और व्हील लगाता हूँ, वेट एक सेकेंड। अच्छा, यहाँ पर मेरे को भी टायर लगाना है ना। लॉल, मैं एक ही टायर खरीद के लाया हूँ क्या? ये वाला मैंने खरीदा था ना, यस। तो अभी इसको फटाफट से परचेस करते हैं, थिकनेस ठीक है, एंड मेरे को टोटल 4 खरीदने हैं ऐसे, नहीं 4 नहीं, अब तो 3 लूंगा ना। ऑलराइट, तो अभी फटाफट से और भी टायर बनाता हूँ। ये लगाया, बन गया। एंड जब तक इसको निकाल लेता हूँ मैं यहाँ से, और इसको ले जाकर लगा देता हूँ अपनी कार में, देखते हैं ये आखिर कैसा लगने वाला है। इसको करा यहाँ पर माउंट, ये वाला लगा कर, पर अभी मेरे को बस ना बहुत जल्दी लगाने के इसलिए पड़े, क्योंकि मुझे चेक करना आखिर लग कैसा रहा है। ओके, तो यहाँ पर एकदम मस्त व्हील लग चुका है, और लेफ्ट साइड समझ लो कम्प्लीट हो गई बस। ओके, परफेक्ट है यार, मेरे को नहीं लग रहा कि अभी इसमें कोई भी प्रॉब्लम है। हेलो, अबे वेट, अब मुझे लग रहा भाई ये गाड़ी में कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम है यार। तो भाई ये जो मैंने लगाया ना लेफ्ट बॉडी विंडो है, ये बड़ा खराब लग रहा है, इसकी वजह से गाड़ी की लुक खराब हो रही है यार, उसको मैं हटा रहा हूँ। बट या उसको नहीं लगाऊंगा तो अच्छी भी नहीं फील आ रही ना, कंप्लीट नहीं है गाड़ी। भाई टायर बहुत बड़ा चाहिए होगा मुझे सही में, ये तो लगेगा ही लगेगा यार, शायद से कंपल्सरी है। एक काम करते हैं, टायर का साइज ना मैं थोड़ा सा बढ़ा के लाता हूँ। गाइस, तो मैं समझ गया मुझे क्या क्या चाहिए, तो मैं टायर परचेज करके गया था यहाँ से 18 साइज का, जो कि थोड़ा सा बड़ा हुआ, तो इस बार मैं 17 कर रहा हूँ। एंड इसको कर देता हूँ 205, एंड प्रोफाइल को करना है 55, या मैं प्रोफाइल को 50 कर दूं। डन, तो यहाँ से करा परचेज। इसके बाद मुझे एक रिम चाहिए विद 50 ET, लेट्स गो। इसको यहां पर असेंबल करते हैं। ये है लास्ट एंड फाइनल टायर, ये परफेक्ट लगने वाला है इस कार पे, मैं अच्छे से श्योर हूं। भाई कितने खराब टायर मैंने बनाए हैं इसको एक परफेक्ट साइज देने के लिए, लेट्स गो टेस्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने कहा था, अपनी कार अब एक मस्त लुक लेने वाली है, क्योंकि टायर के जो साइज है परफेक्ट आए हैं। तो अभी एक बनाया, फटाफट से चारों बना लेता हूँ खरीद के, 3 और लेने हैं यहाँ से 17 साइज, एंड ये होगा 50। डन, सेम फ्रॉम 17, 3, 205,
एंड प्रोफाइल होगा 55। ओके गाइस देखो, मुझे मालूम है कि ये जो टायर्स है ना, ये और भी ज्यादा चौड़े किए जा सकते हैं, तब भी ये इस गाड़ी को बहुत अच्छा चला पाएंगे। बट यार हमें कौन सा बर्न आउट करना है, तो इतने ज्यादा हैवी टायर की जरूरत भी नहीं है। अभी थोड़ा अच्छे से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी यहाँ पर चारों टायर बना के ना एक बारी गाड़ी स्टार्ट करके देख लें, टायर तो जैसे मर्जी लगते रहेंगे। बाकी ठीक है, यहाँ पर 205 वेट कहाँ से लगा, ये वाला, ये लगाना है मुझे यहाँ पर N205 का एक वाला टायर। देन अभी चारों टायर समझ लो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, फटाफट से ये वाला टायर भी मैं यहाँ से ले लेता हूँ और ये वाले को बाद में ले जाएंगे। तीन टायर अभी अपने पास आ चुके हैं। अब बाकी मेरे को अभी तो मैं पीछे सस्पेंशन का काम करना रहता ना, यही कंटिन्यू करते हैं क्योंकि अभी यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें लगना बाकी है। तो चलते हैं पार्ट माउंट के लिए। राइट साइड का रियर एक्सल लगाना है जो कि ख़राब है, तो इसीलिए मैं दूसरा परचेज करके ले आया हूँ। इसको यहाँ पर लगा देते हैं, देन यहाँ से रियर सस्पेंशन आर्म लग जाएगा, इस पे ऊपर दोनों बुशिंग एंड ये लगा दिया। फटाफट से इसको टाइट करते हैं कुछ इस तरीके से। एंड बारी है बॉटम वाले की, बॉटम वाला भी खराब है, बॉटम सस्पेंशन आर्म बी, तो ये परचेस कर लेता हूं मैं। और यहां पे लगा देते हैं इसको फटाफट से बुशिंग के साथ इस तरीके से। ये हो गए सारे नट टाइट। एंड बारी है यहां पर एक शॉक ऑब्जर्वर लगाने की जो हमने बनाया था, और उसको कर देते हैं टाइट। अब बारी है इधर ये कवर वगैरह की जो कि सारे खराब हो रखे हैं, तो मेरे को तीन तीन चाहिए होंगे, तो परचेस करके मैं ले आया हूं। फटाफट से इसको यहां पर लगा देते हैं ठीक वाली। एंड यहां पर लगेगा व्हील हब, व्हील हब को टाइट करने के लिए तीन बोल्ट कसने हैं, और उसके ऊपर आएगी ब्रेक डिस्क, ये लगा दी। एंड ब्रेक डिस्क के ऊपर आएंगे ब्रेक पैड्स जो कि मेरे पास कुछ ज्यादा ही हो गए हैं। एंड यहाँ पर लगाने ब्रेक कैलिपर्स, और उसके साथ लगेगा ये ब्रेक कैलिपर सिलेंडर, दोनों मिक्स होके, और फिर इनके भी नट टाइट करने हैं। देन यहाँ पर अंदर जाएगी ये बेयरिंग कुछ इस टाइप से, और फिर यहाँ पर मुझे इसे टाइट करना है। और रियर ड्राइव एक्सल भी खराब है, रियर ड्राइव एक्सल बी, तो ये मेरे को दो चाहिए। यहाँ पे लगने वाली है रियर ड्राइव एक्सल बी कुछ इस टाइप से। और अब बारी है इसके वाले व्हील की भी, तो फटाफट से यहाँ पर लगा देते हैं। 17 वाले लगेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उधर भी वही लगा है। चारों तरफ सेम टायर होना चाहिए, वरना पता नहीं क्या ही हो जाएगा। ओह ये देखो, अभी प्रॉब्लम हो जाती है लास्ट टाइम की तरह, सारी चीजें लगी बट गाड़ी में ना स्टार्टर लगना बाकी है। मतलब पूरी गाड़ी बना दी बट स्टार्टर ही नहीं लगाया जिससे गाड़ी स्टार्ट होगी। ओके तो यहाँ पे लगेगा स्टार्टर V8 इंजन का, तो इसको लगा के फटाफट से टाइट करते हैं। डन, समझ लो बैक साइड अपनी पूरी कंप्लीट हो गई है। मुझे नहीं लगता यहाँ पर अभी कुछ भी बाकी रह गया है। अब चलते हैं फ्रंट साइड पे, बट हाँ जाने से पहले एक बार ना दोबारा टेस्ट कर लेता हूँ बैक साइड सही में हो गई है ना। सही में हो गई है, अब चलते हैं आगे। फटाफट से ये वाला टायर भी यहाँ पर इंस्टॉल करते हैं, बट उसके लिए मुझे काफी सारे पार्ट्स पहले यहाँ पर माउंट करने होंगे, जैसे कि ये हो गया। फिर उसके ऊपर यहाँ पर आएगी नकल कवर, कवर के ऊपर आएगा व्हील हब, एंड व्हील हब के ऊपर आएगी ब्रेक डिस्क। ओके तो ये रहा ब्रेक डिस्क, और इसके ऊपर आने वाला है ब्रेक पैड्स, फिर इसके ऊपर आएगा कैलिपर। मुझे सब कुछ रट गया भाई अभी सही में, ये लगा दिया। एंड इसके बाद आएगा बेयरिंग। ऑलराइट तो यहाँ पर अब बस मुझे लास्ट टायर लगाना है, क्योंकि सब कुछ मैं कंप्लीट कर चुका हूँ और फाइनली अपनी कार समझ लो पूरी हो गई है। बट मुझे अभी एक चीज चेक करनी है, सबसे पहले तो मुझे इसे ग्राउंड पे लाना होगा कार को। वेट तो सब कुछ हो गया है, तो अब आ जाएगी, मैं इस कार को कहीं भी मूव कर सकता हूँ। गैराज एंट्रेंस ए। ओके रियर व्हील्स हैव डिफरेंट साइज। लॉल कौन से कोई गलत टायर लगा दिया गया यार। और वेट ये तो रही गया भाई सबसे मेन चीज, राइट बॉडी विंडो ए, आई मीन ये जो हमने मोटर निकाला था ना इलेक्ट्रिक वाला, वो यहाँ लगना था। अब जाकर पीछे से तो गाड़ी कंप्लीट हो गई है, बट टायर साइज का मैं समझ नहीं पा रहा, या तो मैंने आगे छोटे लगा दिया पीछे बड़े। कार का स्टेटस चेक कर लेता हूँ। एंड देखो हर जगह सब कुछ ओके है, बस ये जो बैटरी है ना वही रेड हो रखी है, और सारी बैटरी दिखा रहा है। कैम गियर V6B कैम शाफ्ट, ये काफ़ी सारी चीज़ें यार मिस तो नहीं करी, बट यहाँ पर ऐसा दिखा रहा है कि जैसे इसमें है नहीं, बट ऐसा नहीं होगा मेरे हिसाब से। क्या यार जाते जाते एक बड़ी प्रॉब्लम आई गई। सबसे पहले ना मुझे तो इस गाड़ी का बैटरी निकालना होगा। रुको, सारी बैटरी यहाँ पर थी ना, इन सबको भी उनको निकालना पड़ेगा। क्या मैं ये बैटरी चार्जर का यूज़ करके डायरेक्ट बैटरी चार्ज कर सकता हूँ? कहाँ से लगाइए रहना चार्ज बैटरी। अबे यार एक एक करके लगानी पड़ेगी क्या भाई? ये तो बड़ा टाइम लग जाएगा, मैं नहीं खरीद रहा हूँ। मैंने 20 बैटरीज नहीं खरीद लिया, मेरे को झमेला नहीं चाहिए भाई कोई इतना टाइम का। पुरानी वाली सारी बैटरी मैं रिमूव करने वाला हूँ, क्योंकि इन्हें एक एक को चार्ज करने बैठा तो बहुत टाइम लगेगा। ओके तो सारी बैटरी मैंने निकाल दिया, अब बस मुझे यहाँ पर नई नई सारी बैटरी ला के लगानी है कुछ इस तरीके से, जो कि फटाफट से होती जाएगी, बस मुझे यहाँ पर प्लेस करनी है। चलो भाई सारी बैटरी लग चुकी है भाई, बड़ा ही झमेला कार का यार। स्टेटस चेक करते हैं अभी, फ्रेमिंग कंडीशन खराब आ रही है, बाकी ओवरऑल कार अगर देखा जाए ओके है। यार मुझे ऐसा लग रहा है ना कि मैंने शायद इंजन में ये सारी चीज़ें नहीं लगाई है, जैसे कि इग्निशन कॉइल मेरे हिसाब से इंजन का ही पार्ट है,
और काफी सारी चीजें स्पार्क प्लग वगैरह मेरे को लग रहा है इंजन में मिस हो गया है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे का ये वाला जो व्हील है ना, ये मैंने गलत लगा दिया भाई। मतलब आपको याद होगा एक टायर मैंने पीछे रखा था, मैं उसे लाना भूल गया था, अभी मुझे याद आया। तो फटाफट से इस वाले व्हील को मुझे रिमूव करना होगा कुछ इस तरीके से। ओके, तो ये हटा दिया है एंड यहाँ पे लगाना नया व्हील कुछ इस तरीके से। ये देखो ये वाला जो व्हील है इसका साइज क्या आ रहा है, 205 एंड 17, ये परफेक्ट है। आई थिंक अभी अपना कार मूव हो जाना चाहिए किसी दूसरी जगह पे। गैराज एंट्रेंस ए पे चले जा। रियर व्हील्स हैव डिफरेंट साइज। कौन सा व्हील गलत लग गया, ये वाला गलत है मेरे हिसाब से, तू उतर पे। पता करता हूँ इसका साइज क्या है। उतार दिया है व्हील मैंने एंड इसका साइज है, ओ ये 18 का है। ओके, बाकी जो दोनों ये परफेक्ट हैं। अभी दो व्हील एक्स्ट्रा उतारे थे, उनको मैं बैलेंस करके यहाँ लगा सकता हूँ। 205 55 R17, ये चलेगा शायद, स्पेशली ये जीरो वाला जिसका नहीं, 50 वाला लगाएंगे हम। ये 50 वाला था हमारा, चलो हो गया ये। इसको यहाँ से मैं पिक करता हूँ, 80 50 वाला है ना ये, लेट्स गो लगा के देखते हैं भाई क्या हिसाब बैठता है। यहाँ पर करा प्लेस एंड ये है 17 80 50, लेट्स गो। ऑलराइट, तो यहाँ पर टायर लग चुका है। प्लीज कार मूव हो जा वरना मैं चारों टायर निकाल के फेंक दूंगा और सब दोबारा बनाऊंगा। यस, कार मूव हो गई, बस वही वाला टायर में गड़बड़ती और वेट। क्या खतरनाक लग रही है भाई ये कार। ओ एक सेकंड, अबे ये वाले टायर में दिक्कत है। ये देखो ये सारे टायर ओके हैं, ये वाला भी ओके है, बट ये वाले टायर में कुछ तो छोटा लग गया है। बट ठीक है, मैं उसे ठीक कर देता हूँ, सब तुरंत ही कर दूंगा। बाकी अभी ना सबसे ज़्यादा मेरे को जो तसल्ली नहीं हो रही है, और वो है मेरे को गाड़ी स्टार्ट करके देखना है। मेरे को लग नहीं रहा है गाड़ी स्टार्ट हो पाएगा, इंजन में प्रॉब्लम था क्योंकि। तो प्लीज़ हो जाइए। ओके, कोई साउंड ही नहीं है, पता नहीं स्टार्ट हुआ या नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक साइलेंट कार है, कुछ कह भी नहीं सकता मैं इसको ना। एक काम करते हैं, ड्राइव के लिए लेकर चलते हैं, टेस्ट ट्रैक पे मैं इसे लेकर चलता हूँ। देयर इज अ रबर बुशिंग मिसिंग फ्रॉम द कार। वाओ, ओके पहले से बंद करो, थोड़ी बहुत चीज़ें और हैं। तू वापस चल पे लिफ्ट पे, इसको एक बार ऊपर करो, पता नहीं कहाँ मिस्टेक आ गई यार इस कार में। तो सबसे पहले ये वाला जो इंजन क्रेन है ना, मुझे इसे मूव करना होगा लिफ्टर ए पे, ताकि मैं इसके थ्रू पहले तो ना कार का इंजन बाहर निकाल पाऊँ। वेट, पूरा गियर बॉक्स अनमाउंट करना पड़ेगा क्या? बाय द वे जो बुशिंग कह रहा था ना वो ये वाली है, ये मिस थी, मुझे नहीं खरीद के लगानी है। ओके, तो इसको फटाफट से लगा देता हूँ मैं। जो एक टायर छोटा था उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत सामान और ले लिया, ताकि मैं उसको बना पाऊँ। ये है वो टायर, तो ये अपना बनते रहेगा जब तक। हाँ, मेरे को अपनी बाकी गाड़ी का काम करना है, मुझे गियर बॉक्स उतारना होगा यार। अभी बेसिकली उतारना नहीं है, बस मुझे ना अनमाउंट करना है। ये वाला व्हील मैंने रिमूव कर दिया है, नया वाला व्हील भी शायद अब तक बैलेंस हो चुका होगा। यस, तो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं एंड यहाँ पे लगा के पहले व्हील का झोला पूरा खत्म करते हैं। एक चीज तो एटलीस्ट ठीक हो। चलो भाई, अब भी किसी चीज में दिक्कत नहीं है, चारों टायर एकदम मस्त बराबर लग चुके हैं गाड़ी में। हो भाई साहब, तो फाइनली कई घंटों की मेहनत के बाद अपनी टेस्ला कार बन के रेडी हो चुकी है। अब बस यार स्टार्ट हो जाए, क्योंकि इसको चलाने में मैं ऑलरेडी दो बारी फेल हो चुका हूँ। वैसे अगर आप सामने से देखोगे ना, रुको मैं दोनों डोर खोलता हूँ। ये देखो भाई कितनी ज्यादा डेंजरस लग रही है, सिर्फ और सिर्फ एक बोनट की वजह से पूरी कार की लुक चेंज हो गई। लेट्स गो, भी फटाफट से गाड़ी में बैठते हैं। प्लीज स्टार्ट हो जाइयो। वेट, अभी भी कोई एरर आया है। मैं एक सेकंड, इसे मान लो ड्राइव के लिए लेकर चलूं तो क्या एरर आ रहा है यहाँ पर? देयर इज स्पार्क प्लग मिसिंग फ्रॉम कार। वेट, इंजन तो हमने प्रॉपर कंप्लीट करा था, बट ये स्पार्क प्लग कैसे? रुको यार, अभी इस गाड़ी को ना फटाफट से मेरे को एक बार चेक, इसका इंजन निकालना पड़ेगा। कार लिफ्टर सी पे मैंने कार को भेज दिया है। क्या यार, मुझे लग रहा था मैंने सब कुछ एकदम ओके कर दिया है। गियर बॉक्स डिटैच करके मैंने कार का इंजन बाहर निकाल दिया है। अब फटाफट से इसको मेरे को यहाँ पे लगाना होगा कुछ इस तरीके से। अब मुझे देखना है कि आखिर स्पार्क प्लग, यस ये मेरी गलती है भाई। ये देखो यहाँ पर स्पार्क प्लग लगने थे, ये देखो ये सारे स्पार्क प्लग मिस है। शायद से इंजन अभी कम्प्लीट भी नहीं हुआ था, उसमें भी बहुत सारे एयर फिल्टर वगैरह भी लगने हैं। क्या यार, टोटल 6 स्पार्क प्लग लेते हैं और फटाफट से भी इंजन का जो बचा कुचा सामान है वो मुझे उसमें लगाना होगा। ओके, तो यहाँ पर एक स्पार्क प्लग दिया। इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं। वही मैं कहूं यार, ये इंजन बड़ा छोटा लग रहा है। वही है ना, काफी टाइम बाद खेलो तो चीजें हम लोग भूल भी जाते हैं कई सारे। इसके ऊपर इग्निशन कॉइल वगैरह और भी बहुत चीजें हैं। या तो फटाफट से हर तरफ इग्निशन कॉइल भी लगाते हैं, जो मैं 6 खरीद के लाया हूं। मुझे रोड की कैप लगानी है खूब सारी, तो मैं यहां से परचेज कर लेता हूं। आई थिंक 12 में काम हो जाएगा। मैं खाली पीली खुश हो रहा हूं भाई, इंजन कंप्लीट हो गया। इतना सारा काम बचा है ना अभी इस इंजन में, मतलब खत्म ना होना अभी जल्दी। एयर फिल्टर वगैरह तो यार मैं भूल ही गया था सच्ची में। चलो भाई,
भाई रॉड कैप यहाँ पे लग गई है। अब इसके ऊपर आएगा ऑयल पैन, ये लगा दिया ऑयल पैन इसके ऊपर एंड ये लगा दिया चारों तरफ से नट। आई थिंक अभी इंजन कंप्लीट हो चुका है, काश इसके अंदर अभी कोई काम बाकी ना रह रहा हो, बट एक बारी मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ, अगर कुछ रह रहा होगा तो मैं उसे लगा दूंगा। छोटी मोटी चीजें बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है, साइड में अगर कुछ भी बच रहा होगा तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होने देगा। बाकी जहां तक मुझे लग रहा है अभी इंजन कंप्लीट हो गया है। ओके, तो अभी फटाफट से मैं इस इंजन को लेकर चलता हूँ, कार में इंस्टॉल कर देता हूँ। लेट्स गो इंस्टॉल, और ये लगा दिया। अब पता करते हैं कार का स्टेटस की क्या क्या चीजें रह रही हैं। बहुत सारी फ्यूल फिल्टर वगैरह ये सब क्या है, इतना कुछ तो था भी नहीं भाई। रोड कैप वगैरह सब इंजन में ही तो है, मैं सब लगा चुका हूँ फिर भी वो काउंट नहीं कर रहा है। मैं इसे जोड़ के देखता हूँ एक बारी, क्या पता जब तक ये गियर बॉक्स से ना कनेक्ट होता हो तो स्टेटस भी ना देता हो। लेट्स गो, गाड़ी ऊपर जा चुकी है एंड अभी मुझे यहाँ पर पार्ट्स इंस्टॉल करने हैं। तो सबसे पहले ये लगेगा ताकि अपना इंजन गियर बॉक्स से कनेक्ट हो, और उसके पीछे लगेगा स्टार्टर। सब कुछ ओके करके अभी मैं गाड़ी को लेकर आ गया हूँ। प्लीज यार स्टार्ट हो जाए, ऐसे मत कर भाई, कसम से बहुत जी जान लगा दी। छोटी मोटी चीज़ें जो मिस्टेक हुई थी वो भी मैंने ठीक कर दिया है, एंड प्लीज़ इस बारी चालू हो जाइए, स्टार्ट द कार। लेट्स गो गाइस, फाइनली गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है भाई, सच्ची में बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा है। अभी रुक जाओ, अभी मैं गाड़ी को, अभी टेंशन नहीं है, सबसे पहले आप उतर जाओ भाई गाड़ी से। फाइनली भाई हमने कर दिखाया, गाड़ी चालू हो चुकी है। अब इस कार को मैं सीधा भेजने वाला हूँ डायनो पे टेस्टिंग के लिए, या फिर एक काम करते हैं पहले ना गाड़ी पे पेंट करते हैं। लेट्स गो डायनो पे बाद में, अभी मैं गाड़ी को सीधा पेंट शॉप पर लेकर आ चुका हूँ। गाड़ी में थोड़े बहुत कलर वगैरह करेंगे। वैसे सही बताऊँ तो ये बहुत ज्यादा प्यारा कलर लग रहा है, पता चल रहा है कि एक माफिया की कार है। बट हाँ, टेस्ला जो है व्हाइट कलर से ज्यादा फेमस है, तो मैं सोच रहा हूँ कि व्हाइट कलर ही करें। तो ये है पेंट शॉप एंड यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो कलर्स के बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप है। ये रेड भी में भी अच्छा लगेगा, एंड सबसे ज्यादा प्रीमियम कलर इस टाइम पे ना मुझे क्रोम ही लग रहा है। अगर मैं यहाँ से करूँ तो थोड़ा कैमरा एंगल भी चेंज हो सकता है, ये देखो। बट यार इसमें ना कार का ना लोगो सही से नजर आ रहा है, ना कुछ भी ढंग से नजर नहीं आ रहा, तो क्रोम पे नहीं जाऊंगा। एंड मेटालिक तो और नहीं, एक बार कोई कमेलियन थोड़ा सा प्यारा लग रहा है। बाय द वे इसमें थोड़ी बहुत ना लाइवरी भी है। इसको ना एक काम करते हैं, मेटालिक में चल के येलो कलर करते हैं, देखो। ओ वाओ क्या प्यारा लगेगा ये, एक सेकेंड। थोड़ा अच्छा व्यू तो आ रहा है कार का, बट काश ये टेस्ला का लोगो ब्लैक हो पाता ना फ्रंट वाला, तो बहुत प्यारी लगती कार। वैसे अभी भी मेरे को बहुत ऑसम लग रही है, बस अगर मैं इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी, वेट वेट, ब्लैक नहीं, मेटालिक को चेंज कर सकते हैं। ये मैट भी प्यारा लग रहा है, पर्ल भी प्यारा लग रहा है। तो फाइनल मैं यही कर रहा हूँ मेटालिक में, एंड अभी इस कार को पेंट कर देते हैं। डन। तो अपनी कार इस टाइम पे येलो हो चुकी है और बहुत ज्यादा चमक रही है भाई, कसम से कुछ नजर नहीं आ रहा है इसके बगल बगल। लेट्स गो, इस कार को ना अभी फटाफट से मैं लेकर चलता हूँ लिफ्टर सी पे। डन। तो कार चली गई है लिफ्टर सी पे और कुछ इस टाइप की लुक आ चुकी है कार की। भाई क्या लाए थे हम लोग इसको जंक यार्ड से और क्या बना दिया है। अब मुझे यहाँ पर चेक करना है बैटरी, नहीं मेरे को इंटीरियर डिजाइन करना था। यप, ये रहा इंटीरियर डिटेलिंग टूल, इसको मुझे मूव करना है सी वाले लिफ्टर पे एंड यहाँ पर मुझे इसे यूज करना है ताकि कार का इंटीरियर परफेक्ट हो जाए। यूज इक्विपमेंट, $100 लगे और गाड़ी एकदम ओके हो चुकी है। अब इस कार को मेरे को लेकर जाना है डायनो पे। वेट 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 गाइज, अभी सब हो गया लेकिन गाड़ी का साइड मिरर कहाँ चला गया, मुझे ये नहीं समझ आ रहा। पता नहीं कब में निकाल दिया मैंने। और मैं इसको लगाने वाला हूँ यहाँ पे, बट इसका कलर ब्लैक ही रहेगा क्या यार, दोबारा पेंट। वैसे अगर ये ब्लैक ही रहे तो बहुत अलग लग रहा है। मैंने तो राइट साइड वाला भी दोबारा परचेज कर लिया, येलो निकालो भाई, ब्लैक ही लगाएंगे इस पे। असेंबल लेफ्ट साइड मिरर एंड कलर यहाँ पर चेंज करने का होना चाहिए यार, बट कोई नहीं, मिरर मस्त हो चुके हैं। ओके, तो अभी मिरर चेंज होकर आ गए, दोनों मिरर ग्रे होकर लग गए हैं। इसके इंजन में मुझे ऑयल फिल का प्लग ढूंढना पड़ेगा, वहीं से ऑयल जाने वाला है यार। मुझे पता नहीं था इलेक्ट्रिक कार में भी इसकी जरूरत पड़ेगी, बट ठीक है, ये रहा ऑयल फिल प्लग एंड यहाँ से मुझे ऑयल डालना है। चलो तो फटाफट यहाँ से मैं ऑयल डाल देता हूँ इसके अंदर, और अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा टेस्ट रन कर सकता हूँ। शायद इतना ऑयल बहुत होगा ना, ठीक है भाई, ठीक है, खत्म हो जाएगा भाई इतने से। मैं है भी, बस कर भाई बस कर, अपने आप ही रोका मैंने, मेरे को तो लग रहा था फिल हो जाएगा ऑटोमेटिकली पूरा, फिर हटा दूंगा, बट खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। लेट्स गो, गाड़ी हो चुकी है मेरे हिसाब से टेस्ट ट्रैक पर जाने लायक। ओके, गाड़ी वहाँ पर पहुँच गई है एंड अभी मुझे टेस्ट पाथ, अच्छा सॉरी मैंने डायनो ने टेस्ट पाथ भेज दिया जहाँ पे गाड़ी टेस्ट हो जाएगी, बट ठीक है, वहाँ पर जाने से पहले अपनी गाड़ी यहीं टेस्ट हो जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। लेट्स गो, फटाफट से इसके अंदर बैठते हैं एंड बहुत तगड़ा साउंड है इस कार का भी, जो कि होना नहीं चाहिए। बट क्या, ये जो V6 इंजन है ये हमने बनाया, ये टेस्ला की तरफ से नहीं है, तो इसके अंदर हमारे हिसाब से सब कुछ होने वाला है। ओके, स्टार्ट करते हैं कार को, और वाओ क्या ही साउंड है गाड़ी का। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं पाथ को, लेट्स गो। ओके,
अभी आ चुके हैं गाड़ी में एंड गाड़ी यहाँ से आगे चल रही है, ब्रेक टेस्ट हो रहा है कार का, चेक कर, मेरे हिसाब से सब कुछ ओके है भाई, मुझे नहीं पता। लेट्स गो, एस ब्रेक रिवर्स 100% प्लीज, यस गाड़ी ओके है, अब मेरे को आगे चलानी है। अब फ्रंट की सस्पेंशन चेक हो रहे हैं, ठीक है, तो मुझे क्या करना है, ब्रेक मारनी है। लेट्स गो, ब्रेक मैंने मार दी, ओके ही होगा भाई, सब कुछ ओके ही होगा। फिर सस्पेंशन दोबारा से एक्सेलरेट एंड अब इसके बाद दो चीज़ें और है जो कि चेक होनी है। अभी फ्रंट ब्रेक्स चेक हुई थी, ओह क्या चेक कर रहे हैं भाई ये लोग, गाड़ी तोड़ रहे हो क्या? ओके, फ्रंट सस्पेंशन भी चेक हो गए, रियर सस्पेंशन रह गए हैं। अब इसके बाद यानी गाड़ी पीछे से बहुत तगड़े झटके देने वाले। लेट्स गो, यहाँ पर गाड़ी पहुँच चुकी है एंड बैक वाले सस्पेंशन में पीछे वाले जो दो टायर्स के होते हैं रियर सस्पेंशन वो भी चेक हो गया एंड गाड़ी फुली ओके है, पूरी परफेक्ट बनाई है भाई तुम्हारे भाई ने इस कार को। गाइस देखो मेरे हिसाब से ना सारे के सारे टेस्ट हो चुके हैं, अब बस मुझे इस कार को ना एक ट्रैक पे चलाकर देखना है कि आखिरकार वहां पर इस कार की कैसी परफॉर्मेंस आने वाली है। लेट्स गो, फटाफट से गाड़ी के अंदर बैठते हैं। गाड़ी चल गई वही बहुत बड़ी बात है यार, क्योंकि मेरे को ये एक इलेक्ट्रिक कार है, इसके कार जो हमने पहले लैम्बो बनाई थी उससे बहुत डिफरेंट चीजें थी इसमें, आई मीन इसमें थोड़ा बैटरी वाला सिस्टम था और भी बहुत सारे चेंजेस थे जो कि हमने कर दिए। ठीक, फिलहाल अभी इसको टेस्ट ट्रैक पे लेके चलते हैं। ऑल राइट गाइस, तो ये मैं अपनी कार को रेस ट्रैक पे लेकर आ चुका हूँ और अब बारी है इसको ट्राई करने की। वैसे एक चीज मैं पहले ही बता दे रहा हूँ, इस गाड़ी में ना हमने पतले टायर लगाए हैं, तो जितनी भी हाई स्पीड वाली कार्स होती है ना इसमें जब तक चौड़े टायर नहीं लगते ना ये अच्छे से ब्रेक मारती है ना ड्रिफ्ट मारती है ना टाइम पे रुकती है। बाकी ठीक है, अभी चला कर देखते हैं, इतना तो मुझे पता है शायद हम लोग ब्रेक टेस्ट में फेल हो सकते हैं। बाकी आराम से ये देख रहे हो मैंने गलत टायर लगा दिया यार, अभी अपनी कार समझ लो एक सिटी कार बन के रह गई है, ये रेस ट्रैक वाली कार नहीं है, मतलब इसे नॉर्मल सिटी में चलाना हाईवे पे चलाना फुल ओके है, क्योंकि जैसे हम लोग इस पर टाइट ब्रेक मार रहे हैं ना ये कार ऑटोमेटिकली टर्न हो रही है, अभी पूरी टर्न हुई मैंने नहीं करी थी, ये तेज स्पीड पे ब्रेक लगने से टायर स्लिप हुए हैं। वैसे कुछ करना नहीं है, इस कार को ओके करना है बस टायर चेंज। आराम से टर्निंग के टाइम पे भी काफी प्रॉब्लम आ रही है यार, इसमें रुक जाओ, मैं इतनी खराब कार नहीं बना सकता, मैं अभी इसे अच्छे से टेस्ट करने वाला हूँ। दो टेस्ट में हम लोग पास हो गए हैं, अब थोड़ा सा सस्पेंशन टेस्ट यहाँ पर हो रहा है गाड़ी का, जिसमें ये 1000% पास हो जाएगी, क्योंकि तुम्हारे भाई ने सस्पेंशन का काम भाई बहुत अच्छे से करा है, वो भी दो बार, एक बार प्रॉब्लम आ गई थी कुछ तो। लेट्स गो, गाड़ी अच्छे से चल रहा है, मैंने इसे 100 ये भी 100 स्पीड है इसका पता नहीं चल रहा, बाकी लेट्स गो, यहाँ पर ब्रेक मारना है और क्या मस्त आके रुकी है। या गाइस, जैसा कि मैंने बताया गाड़ी में अगर अभी बस इसके टायर थोड़े से और चौड़े होते ना तो मजा आता, बाकी फ्रंट का जो बम्पर है ना वो मुझे चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसे देख के ऐसा लग रहा है जैसे ये ना थोड़ा डैमेज खा के टूट के अंदर हो गया है, अगर या तो मैं इसको ब्लैक कलर का कर दूं तो अभी बहुत प्यारा लगेगा, क्योंकि अभी टेस्ला का जो इतना प्यारा सा लोगो है ना वो भी सही से नजर नहीं आ रहा। बाकी यहाँ सब हो गया इस गाड़ी का ऑफ रोड टेस्ट, मुझे पता है ये उसके लिए नहीं है, बट फिर भी पहले गया था टेस्ट ट्रैक पे, अब जाऊंगा रेस ट्रैक पे और देखते हैं क्या होता है, भगा दूंगा भाई अपनी कार को, सच्ची बता रहा हूँ भी बहुत तेज। लेट्स गो, स्पीड फुल रेडी है, गाड़ी स्टार्ट और भाई 4 सेकंड में बहुत तगड़ा टॉर्क है यार इस कार का, 3 to 4 सेकंड 100 किलोमीटर पर आवर पहुंच गई यार, मतलब बुगाटी भी 2.5 सेकंड लेती है। अरे ये टायर देख रहे हो, टायर की वजह से हो रहा है सब, जो ये गाड़ी ब्रेक नहीं ले पा रही ना इन सब के पीछे का रीजन टायर है। मैं हैंड ब्रेक ट्राई करता हूँ, ठीक है, ओ नहीं 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 हैंड ब्रेक में तो भाई ये पूरी झूल जा रही है कार, रुक जाओ एक और दोबारा इसको सिंपल चलाता हूँ भाई, ज़्यादा हैवी नहीं और ज़्यादा मस्ती में नहीं, आराम आराम से चलाते हैं। और मुझे नहीं लगता कि ये कार एक रेस ट्रैक कार है, जो कि मैंने शुरुआत में बोल दिया था, बट ठीक है, कार मेरी पास हो गई हर टेस्ट में, वो बहुत अच्छी बात है, हमने प्रॉपर हर जगह टेस्ट करा और ये कार पास हो गई। बाकी इस कार की बुरी चीज़ यही है कि बस ये जितनी तेज़ आवाज़ निकालती है ना उतनी तेज़ चलती नहीं है। फिलहाल ये देख रहे हो 160 ऐसे प्यार से पहुंच रही है ना, एकदम प्यार से, पता भी नहीं चल रहा, 200 नहीं ले जाऊंगा क्योंकि मेरे को पता सामने जाके ठुक जाएगा, अभी चुपचाप से अपनी कार को यहाँ पर खड़े कर देते हैं। लेट्स गो, फुल क्या प्यारी लुक आ रही है। तो चलो गाइस, आज के इस वाले वीडियो में इतना ही, आई होप आपको ये वाली गेम प्ले वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी तो वीडियो को जाके लाइक करना, और ऑनेस्टली बता रहा हूँ भाई इंजन बनाने में हालत खराब हो गई, इसीलिए मैंने उसका काम ना एकदम लास्ट में करा था, और एट द एंड छोटे छोटे पार्ट्स, स्पार्क प्लग, कहीं बश रह गया तो कहीं मॉड्यूल नहीं जोड़ा है ABS,
बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी, बट हमने फाइनली कार को चला दिया। और जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि इस गेम में बहुत ज्यादा डीप इंफॉर्मेशन है हर एक कार की मॉडिफिकेशन, उसकी मेकिंग को लेकर, तो आप लोगों ने आज वो देख ही लिया होगा। बाकी यार सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा, और कॉमेंट्स में जाकर जरूर बताना कि नेक्स्ट कार हमें कौन सी बनानी चाहिए, तो कॉमेंट कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।